दुर्वासा के शाप से चित्रसम दैत्य का महिष होना, महिष की तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा स्वर्ग विजय, कात्यायनी के द्वारा महिष का वध। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया था यह बताइए। सूत जी बोले, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महिष नामक दैत्य हुआ था, जिसने भैंसे का रूप धारण करके ही समस्त त्रिलोकी का शासन किया था। पहले वह बड़ा ही सुंदर तथा तेज और वीर से संपन्न था। उस समय लोग उसे चित्रसम कहते थे। चित्रसम को बाल्यावस्था से ही भैंसे की सवारी का शौक हो गया था। वह घोड़े आदि सवारियों को छोड़कर भैंसे पर ही चढ़कर चलता था। एक दिन की बात है, दानव चित्रसम भैंसे पर आरूढ़ होकर चला और गंगा जी के तट पर जाकर जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्तम पद्मासन लगाकर गंगा के किनारे समाधि लगाए बैठे थे। दैत्य का चित्त जल पक्षियों की ओर लगा था। उसने मुनि को नहीं देखा और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुरों के वेग से कुचल गए। उनका सारा शरीर लुहलुहान हो गया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक दानव प्रणाम आदि से रहित उद्दंड भाव से खड़ा था। तब दुर्वासा ने कुपित होकर कहा, पापी, तुमने भैंसे के खुरों से मेरे शरीर को कुचल डाला और मेरी समाधि भंग कर दी, इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ और जब तक जियो प्रधानतः भैंसा बने रहो। मुनि के इतना कहते ही वह बड़ा भारी भैंसा हो गया। तब उसने विनीत भाव से मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, विप्रवर, मैं बालक हूं, अनजान में मुझसे आपका अपराध हो गया, उसे क्षमा करके मेरे शाप का अंत कर दीजिए। मुनि ने कहा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। दुर्मते, जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तब तक तो तुम इसी रूप में रहोगे। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि गंगा का किनारा छोड़कर अन्यत्र चल दिए। तब वह दैत्य भी शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मुझे दुर्वासा ने शाप देकर महिष बना दिया है, अब आप ही मुझे शरण दीजिए। मैं आपके प्रसाद से अपने पूर्व शरीर को पा जाऊं और मेरी यह पशु योनि नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, एकमात्र भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो दुर्वासा के शाप को पलट सके, इसलिए तुम शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर वहां के परम उत्तम शिवलिंग की आराधना करो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वह दानव शीघ्र ही हाटकेश्वर क्षेत्र में गया। वहां उसने भक्तिभाव से महान शिवलिंग की स्थापना करके कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया और कठिन तपस्या में तत्पर हो महादेव जी की आराधना करने लगा। इस प्रकार उसका दीर्घकाल व्यतीत हुआ। तब महादेव जी ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, दानव, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। महिष बोला, मुझे दुर्वासा जी ने शाप देकर भैंसा बना दिया है, आपके प्रसाद से मेरी यह पशु योनि निवृत्त हो जाए, यही प्रार्थना है। भगवान शिव बोले, दुर्वासा के वचन को अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख का एक उपाय मैं कर दूंगा। वह यह कि जितने भी दैव, मानव तथा आसुर भोग हैं, वे सब तुम्हें इस शरीर में प्राप्त होंगे। भोग के लिए ही देवता और आसुर मानव शरीर की इच्छा करते हैं। तुम्हारा यही शरीर उन सब भोगों को प्राप्त करेगा। महर्षि बोला, देव देवेश्वर, यदि इस प्रकार सब भोगों की प्राप्ति मुझे हो सकती है, तब तो मेरा यही शरीर अवध्य हो जाए। एक स्त्री के सिवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस तीर्थ में स्नान करे, उसे आपका दर्शन प्राप्त हो तथा उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, अगहन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तुम्हारे इस तीर्थ में स्नान करके जो मेरे उत्तम अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, उसके भूत, प्रेत और पिशाच आदि से प्राप्त होने वाले सब प्रकार के दोष नष्ट हो जाएंगे और क्षय आदि रोगों की भी निवृत्ति हो जाएगी। इतना कहकर देवेश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब महिष भी अपने स्थान को लौट गया और सब दानवों को बुलाकर उनकी सभा में अमर्ष युक्त होकर बोला, दानवों, देवताओं ने श्री विष्णु को आगे रखकर मेरे पिता, पितृव्य तथा अन्य पूर्वजों का वध किया है, अतः मैं महायुद्ध में उन देवताओं का नाश करूंगा और उनके हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लूंगा। तब उन दानवों ने कहा, आपने ठीक कहा है, हम आज ही चलकर युद्ध में देवताओं को मार भगाएंगे और स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए सुख से रहेंगे। ऐसा निश्चय करके दैत्यों ने सेवक, सेना और सवारियों के साथ मेरु शिखर पर प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा, दैत्यों की सेना शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर सहसा युद्ध के लिए आ पहुंची है। तब वे भी उसका सामना करने के लिए नगर द्वार के बाहर निकल आए। दोनों दलों में गर्जन तर्जन के साथ 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ।
अंत में अपनी पराजय होती देख देवताओं ने आपस में यह विचार किया कि इस समय हम अमरावती पुरी को छोड़कर ब्रह्मलोक में चले चलें, जहां दैत्यों का कोई भय नहीं है। ऐसा निश्चय करके देवता लोग इंद्रपुरी खाली करके रात में ही अन्यत्र चले गए। प्रातःकाल उस पुरी को जनशून्य देखकर दैत्यों ने हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रवेश किया। तदनंतर उन्होंने इंद्र के स्थान पर महिषासुर को बिठाया और उसे प्रणाम करके अपनी विजय का बड़ा भारी उत्सव मनाया। महिषासुर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। वह त्रिलोकी में जो कोई भी अति उत्तम सारभूत वस्तु, हाथी, घोड़े, रथ, अस्त्र शस्त्र आदि देखता, सब स्वयं ले लेता था। इस प्रकार स्वेच्छाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले उस दैत्य का वध करने के लिए सब देवता आपस में मिलकर विचार करने लगे। इसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के द्वारा जो त्रिलोकी का उत्पीड़न हो रहा था उसका तथा उस दैत्य के उग्र अनाचार पूर्ण कठोर बर्ताव का देवताओं से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह सब सुनकर देवताओं का कोप बहुत बढ़ गया। उसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां आए और उन्होंने पूछा, मुने, देवताओं के कोप का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी ने महिषासुर के अत्याचार का भयंकर चित्र उपस्थित किया। इससे कार्तिकेय जी को भी बड़ा क्रोध हुआ। उस क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता के मुख से तेज प्रकट हुआ और सब मिलकर वह एक कुमारी कन्या के रूप में परिणत हो गया। वह दिव्य तेजोमयी सर्वलक्षण संपन्ना कन्या देवताओं के क्रोध में कार्तिकेय का कोप मिलने से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम कात्यायनी हुआ। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने उस कन्या को वज्र प्रदान किया। स्कंद ने अपनी तीखी एवं भयंकर शक्ति दी। भगवान विष्णु ने धनुष, महादेव जी ने त्रिशूल, सूर्य ने तीखे बाण, चंद्रमा ने उत्तम ढाल, निरृति ने खड्ग, अग्नि ने उल्मुक, वायु ने तीखी छुरी, कुबेर ने परिघ तथा प्रेतराज यम ने असुरों के वध के लिए अपना भयंकर दंड प्रदान किया। इन सब अस्त्रों को देखकर कात्यायनी देवी ने अपने 12 हाथ बना लिए और उन हाथों में देवताओं के वे सभी उत्तम अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। तत्पश्चात कात्यायनी ने कहा, देववरो, तुमने मेरी सृष्टि किस लिए की है, शीघ्र बताओ, मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगी। देवता बोले, इस संसार में इस समय बड़ा भयंकर महिष नामक दानव उत्पन्न हुआ है, जो समस्त प्राणियों तथा विशेषतः मनुष्यों के लिए अवध है। एकमात्र स्त्री को छोड़कर दूसरा कोई उसे मार नहीं सकता, इसीलिए हमने तुम्हें उत्पन्न किया है। अब तुम श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर जाओ और वहां उग्र तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो। जब हम तुम्हें तेज से संपन्न जान लेंगे, तब तुम्ही को आगे करके उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करेंगे। तदनंतर तुम्हारे बाण से दग्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त होगा। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी ने कहा, देवताओं, आप लोग शीघ्र मुझे कोई वाहन प्रदान करें। तब भगवती पार्वती ने कात्यायनी की सवारी के लिए सिंह दिया। देवी कात्यायनी उसी सिंह पर आरूढ़ हो विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थित हुई और उसके मनोहर शिखर पर पहुंचकर व्रत उपवास में संलग्न हो महादेव जी का ध्यान करती हुई इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न हो गईं। ज्यों ज्यों उनके तप की वृद्धि होती, त्यों ही त्यों शरीर में रूप और कांति भी बढ़ती जाती थी। उस समय दैत्येश्वर महिष के सेवक वहां आए और अद्भुत रूप धारण करने वाली उस व्रत परायणा देवी को देखकर लौट गए। वहां उन्होंने दुष्टात्मा महिषासुर से इस प्रकार कहा, देव, हमने पृथ्वी पर भ्रमण करके एक अपूर्व कुमारी कन्या देखी है, जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करती है। उसके 12 हाथ हैं और उन हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे हैं। उसका सौंदर्य अद्भुत है। सेवकों का यह वचन सुनकर महिषासुर तत्काल कामदेव के वश में हो गया और बड़ी भारी सेना साथ लेकर वह उस स्थान पर गया जहां वह कन्या बैठी थी। उसे देखते ही वह दानव काम बाण से आहत हो गया और अपनी सेना को दूर रखकर अकेला ही देवी के सामने उपस्थित हुआ। निकट पहुंचकर वह इस प्रकार बोला, सुंदरी, यह व्रत और तपस्या तो तुम्हारी युवावस्था के विपरीत है, अतः यह सब छोड़कर तुम त्रिलोक के राज्य की महारानी बनो। तुमने मेरा नाम सुना होगा, मैं दानवराज महिष हूँ, जिसने द्वंद्व युद्ध में इंद्र को परास्त किया है। इस समय त्रिभुवन का राज्य मेरे अधीन है, अतः तुम मेरी प्राण वल्लभा पत्नी हो जाओ। मेरी सहस्त्रों भार्याएं हैं, वे सब तुम्हारी दासियां हो जाएंगी। उसकी यह बात सुनकर परमेश्वरी कात्यायनी की आंखें कोप से लाल हो गईं। उन्होंने उस दानव से फटकार कर कहा, पापाचारी, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, तू मुझ कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या से इस प्रकार काम कलुषित चित्त होकर क्यों ऐसी बात कर रहा है? मैं तेरा नाश कर डालूंगी। महिषासुर बोला, सुंदरी,
तुम गांधर्व विवाह से मुझे आत्मदान करो। उसकी यह बात सुनकर देवी ने उसके मुंह में एक बाण मारा। वह बाण बांबी में घुसने वाले सर्प की भांति उसके मुंह में समा गया। महिषासुर चीख उठा, उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह देवी के पास से लौट गया और अपने सैनिकों से बोला, इस दुष्टा स्त्री को जीती जागती पकड़ लाओ, इसे मेरी पत्नी बनना ही होगा। महिषासुर की आज्ञा पाकर सब दानव बाणों की बौछार करते हुए देवी की ओर दौड़े। उन्हें निकट आया देख देवी ने खिलवाड़ में ही महाबाणों का प्रहार करके उन सबके मर्म स्थानों को छेद डाला। कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और बहुत से दैत्य घायल होकर सब दिशाओं में भाग गए। अपनी सेना को तितर बितर हुई देख महिषासुर क्रोध में भरा हुआ स्वयं ही देवी की ओर दौड़ा और उसने भयानक गर्जना की। उसे देखकर कात्यायनी ने बड़े जोर से अट्टहास किया। उस शब्द से तीनों लोग गूंज उठे। देवी के अट्टहास युक्त मुख से सैकड़ों पुलिंद, शबर, म्लेच्छ, शक और यवन आदि प्रकट हुए। तब देवी ने उन्हें आज्ञा दी, तुम सब लोग इस दुष्टात्मा महिषासुर की सेना के इन बलोन्मत्त दैत्यों का शीघ्र वध करो। उनका यह आदेश सुनकर वे बलवान और दुर्धर्ष वीर दैत्यों की सेना की ओर दौड़े। फिर तो उनमें बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय किसी को अपने पराये का भान न रहा। देवी के उत्पन्न किए हुए योद्धाओं ने सब दानवों का उत्साह भंग कर दिया। कितने ही दैत्य उनके द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए तथा कितने ही उनके भीषण प्रहारों से जर्जर हो गए। अपनी सेना का पांव उखड़ता देख महिषासुर क्रोध से उन्मत्त हो उठा और देवी से कठोर वाणी में बोला, ओ पापिनी, अब तक तुझे स्त्री समझकर मैंने युद्ध में नहीं मारा, अब तू मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर महिषासुर ने सींगों के प्रहार से देवी के ऊपर शिलाखंड फेंके और उन्हें बार बार फटकारा। उस दैत्य को अपने पास आया देख देवी क्रोध पूर्वक आगे बढ़ी और बड़े वेग से उसकी पीठ पर चढ़ गईं। चढ़कर उन्होंने लात से इतना मारा कि वह लहू लुहान हो गया और आकाश में उछलकर जोर जोर से चीत्कार करने लगा। इसी बीच में देवी की ही ज्योति से प्रकट हुए सिंह ने आकर तीखी दाढ़ों के अग्रभाग से क्रोध पूर्वक उस दैत्य के पिछले अंगों को पकड़ लिया। फिर तो देवी के पैरों से दबा हुआ वह दानव स्थिर हो गया, एक पग भी हिलडुल नहीं सका। उस विवशता की दशा में वह केवल भयंकर चीत्कार करता रहा। इसी समय इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और आकाश में स्थित होकर बोले, देवेश्वरी, इस तीखी तलवार से शीघ्र ही इसका मस्तक काट डालो। देवताओं का यह वचन सुनकर देवी ने महिषासुर की मोटी ग्रीवा पर खंग का प्रहार किया। उस खंग के आघात से दैत्य की ग्रीवा के दो टूक हो गए। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय वह महिष रूप त्याग कर ढाल और तलवार को लिए एक तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और देवी पर खंग का प्रहार करना ही चाहता था कि देवी ने उसकी चोटी पकड़ ली और उसके शरीर का नाश करने के लिए तलवार उठाई। यह देख वह दुर्गा देवी की स्तुति करने लगा। दानव बोला, देवी आपकी जय हो, अचिंत शक्ति आपकी जय हो, सब देवताओं की स्वामिनी आपकी जय हो, सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो, सर्वजन प्रिय आपकी जय हो, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी आपकी जय हो, त्रिभुवन सुंदरी आपकी जय हो, भक्त जनों को आनंद देने वाली देवी आपकी जय हो, दैत्यों का विनाश करने वाली आपकी जय हो, देवी आपको कहीं से भी भय नहीं है, आप तीनों लोगों की रक्षा के लिए उद्यत हैं, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, प्राणों की रक्षा और दया की भिक्षा दीजिए, मैं आपके चरणों की शरण में पड़ा हुआ अत्यंत दीन और विनीत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। देवी, मैं हिरण्याक्ष का पुत्र चित्रसम हूँ, महर्षि दुर्वासा ने शाप देकर मुझे महिष बना दिया था, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, साथ ही मेरा वीर्य दर्प भी गल गया। सुरेश्वरी, अब मैं आपके चरणों का किंकर होकर रहूंगा, सब दुष्टों का विनाश करने वाली सर्वव्यापिनी देवी आपकी जय हो। महिषासुर का यह दीन वचन सुनकर देवी को दया आ गई। वे आकाश में खड़े हुए देवताओं से बोली, देवगण, अब मैं क्या करूं? देवता बोले, देवेश्वरी, यदि इस अधम दानव का वध नहीं करोगी तब तो यह समस्त चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का विनाश कर डालेगा। फिर तो तुम्हारे प्रादुर्भाव के निमित्त किया हुआ हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ होगा और तुमने भी जो यह युद्ध करने का सारा कष्ट सहन किया है इसका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। देवी ने कहा, देवताओं, न तो मैं इसे मारूंगी और न छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथ में ही रखूंगी। देवता बोले, महाभागे, तुम्हारा कथन ठीक है, इस समय ऐसा ही करना उचित होगा। जो मनुष्य इस रूप में स्थित हुई तुम्हारी पूजा करेगा उसे तुम्हारा दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। आज से विंध्यवासिनी देवी के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।
अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी तिथि को जो मनुष्य तुम्हारी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा उसे एक वर्ष तक कोई रोग भय और तिरस्कार आदि की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए अकाल मृत्यु तथा चोर आदि का उपद्रव भी नहीं रहेगा। सूत जी कहते हैं देवता लोग ऐसा कहकर अपने अपने स्थान को चले गए। इंद्र ने दीर्घ काल के बाद त्रिलोकी का अकंटक राज्य प्राप्त किया। तदनंतर सब लोग सुखी हो गए। देवता पुनः तीनों लोकों में यज्ञ भाग के भोक्ता हुए। अनर्त देश में सुरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उन्होंने उत्तम भक्ति पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की स्थापना की है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से यहाँ देवी के दर्शन करता है वह एक वर्ष तक कृतार्थ होता है। केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव तथा वहां भगवान शिव की आराधना का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा सूत जी हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा द्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है सो वे वहां किस प्रकार प्राप्त हुए। सूत जी ने कहा महर्षियों जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ की। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले सूर्यश्रेष्ठ शीघ्र बोलो मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं। इंद्र बोले प्रभो हिरण्याक्ष सुबाहु वक्त्रकंधर त्रिशंग तथा लोहिताक्ष इन पांचों का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के ही तुल्य हो जाएंगे अतः अन्यान्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है। इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहां दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने चार मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खिलवाड़ में ही एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर ज्यों ही उनके सामने दौड़ा त्यों ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साधकर प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ भी कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन पांचों प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले देवराज तुमने जिन पांच दानवों के वध के लिए कहा था उन सबको मैंने मार डाला है अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांगो। इंद्र बोले भगवन आप त्रिलोकी की रक्षा धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप से यहाँ निवास कीजिए। भगवान शिव ने कहा शक्र यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा धर्म की स्थापना तथा लोक कल्याण के लिए यहीं निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा दूध के सदृश सुस्वादु जल से भरा हुआ था। तत्पश्चात इंद्र से कहा जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र हो इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से तीन बार इस कुंड का जल पिएगा वह तीन कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृपक्ष का दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार कर लेगा। इंद्र बोले वृषभवाहन मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महिष रूप में यहाँ आकर के दारयामी जल में किनको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा इंद्र यदि ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदनंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति ले वे मेरुगिरि के शिखर पर विराजमान स्वर्ग लोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का तीन बार जल पीकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं।
एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं सारा गिर शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्चा विग्रह, उनका मंदिर तथा वह कुंड सभी हिमाच्छादित हो गए हैं। तब वे दुखी हो भक्ति पूर्वक उस दिशा को प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को न देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते रहे। फिर जब गर्मी का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत वाद्य आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना नहीं है। सुरेश्वर, यह पर्वत मीनगत सूर्य से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक यह मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः इन 4 महीनों तक आप इसी रूप में कहीं अन्यत्र मर्त्यलोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा न हो। तब भगवान शिव बोले, इंद्र, आनर्थ देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहां मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास किया करूंगा। अतः वहां मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिव का यह वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिव जी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहां आराधना करता है, वह उनके कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समयों में भी जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्मर्षियों, जो भगवान केदार का यह महात्म्य पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। शुक्ल तीर्थ की महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मर्षियों, प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। वह कपड़े धोने तथा रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान प्रधान जो ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोता था। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए पात्र में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी स्त्री और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे अथवा मुझे बंधन में डाल देंगे, इसलिए हम सब लोग अन्यत्र भाग चलें। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को उद्यत हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली, भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने जो तुम्हारा अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से, क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो कभी कुछ प्रतिकूल बर्ताव किया हो, वह सब क्षमा करना। यह सुनकर सहसा उसके नेत्र भर आए और वह आकुल होकर पूछने लगी, सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? धोबी की कन्या ने कहा, सुनैनी, मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील की नाद में डाल दिए हैं। प्रातःकाल इस बात का जब उन ब्राह्मणों को पता लगेगा, तब वे उन्हें बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर पिताजी अब यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं। अतः मैं तुमसे अंतिम बार मिलने चली आई हूँ, तुमसे आज्ञा लेकर जाऊंगी। दास कन्या बोली, सरोजाक्षी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं न जाओ, यहाँ से शीघ्र जाकर अपने पिता को रोक दो। यहाँ से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है, उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केशों का बना हुआ था, जलाशय में डालते ही सफेद। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था, जो उसी समय सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहां कोई नहीं जाता है, अतः उसी में तुम अपने कपड़े धुलवाओ, इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे, उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी।
तदनंतर वह रजक कन्या शीघ्र अपने पिता के समीप गई और इस प्रकार बोली, पिताजी मेरी सखी ने बताया है इधर समीप ही कोई जलाशय है, उसमें डाली हुई प्रत्येक काली वस्तु सफेद हो जाती है, अतः प्रातःकाल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, वे सब निश्चय ही सफेद हो जाएंगे। धोबी ने कहा, बेटी प्राचीन पुरुषों ने कहा है कि वज्र के लेप, मूर्ख स्त्री, केंकड़ा, मछली, नील के रंग तथा मदिरा पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, अतः नील का रंग मिट नहीं सकता। कन्या बोली, एक बार सब वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही, जब ये शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, अन्यथा दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या का यह वचन सुनकर उसके भाई बंधुओं तथा सेवकों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। फिर सब लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबके आगे होकर राह दिखाती जा रही थी। वह जलाशय नाना प्रकार की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था। मल्लाह की पुत्री ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र तत्क्षण स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एवं श्वेत हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या तथा मल्लाह की पुत्री को साधुवाद देते हुए आदर पूर्वक कहा, अब हम ये सभी वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं। तदनंतर घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और केशों को भी श्वेत हुआ देखकर पूछा, यह क्या अद्भुत बात दिखाई देती है। तब धोबी ने सब हाल कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सी काली वस्तुएं डाली, पर वे सभी श्वेत रूप में परिणत हो गईं। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए बिना न रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सब लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब इंद्र ने उस मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया। आज भी वहां जो तृण आदि उत्पन्न होते हैं, वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से श्वेत होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुशों से श्राद्ध करता है, वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मानव शुक्ल तीर्थ की मृत्तिका को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है, वह सब तीर्थों का फल पाता है। श्री सरस्वती देवी। हंसारूढ़ा हरहसित हारेन्दु कुंदावदाता वाणी मंद स्मृति तरमुखी मौलिबद्धेन्दु लेखा विद्या वीणामृतमय घटाक्षस्त्रजा दीप्त हस्ता श्वेताब्जस्था भवदभिमत प्राप्तये भारती स्यात। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हंस पर विराजमान हैं। उनका श्री विग्रह भगवान शंकर के हास्य मुक्ताहार चंद्रमा एवं कुंद पुष्प के समान शुभ्र वर्ण है। उनके मुखार विंद पर मंद मुस्कान खेल रही है। मस्तक पर चंद्रमा की कला सुशोभित है। हाथों में पुस्तक, वीणा, अमृत पूर्ण कलश तथा अक्षमाला विराजित हैं। वे श्वेत कमल पर आसीन हैं। वे आपका मनोरथ सिद्ध करें। श्री राम नाम महिमा। भगवान शंकर जी देवी पार्वती से कहते हैं, रामेति द्वयक्षर जपे सर्व पापाप नोदकः गच्छन् तिष्ठन् शयानो वा मनुजो राम कीर्तनात् इह निविर्तरतो याति चान्ते हरिगणो मवेत रामेति द्वयक्षरो मंत्रो मंत्र कोटिशताधिकः न रामाधिकम् किंचित पठनम जगती तले राम नामाश्रया ये वैन तेषां यमयातना रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते रामेति मंत्रराजोयम् मय व्याधि निषूदकः रामचंद्रेति रामेति रामेति समुदाहृतः द्वयक्षरो मंत्रराजोयम् सर्वकार्यकरो भुवि देवा अपि प्रगायन्ति राम नाम गुणाकरम् तस्मात्त्वमपि देवेशि राम नाम सदावद राम नाम जपेद्यो वै मुच्यते सर्वकिल विषयः। राम यह दो अक्षरों का मंत्र जपने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते जब कभी भी जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है, वह यहाँ कृत कार्य होकर जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम यह दो अक्षरों का मंत्र शतकोटि मंत्रों से भी अधिक प्रभावशाली है। राम नाम से बढ़कर जगत में जप करने लायक कुछ भी नहीं है। जिन्होंने राम नाम का आश्रय लिया है, उनको यमयातना नहीं भोगनी पड़ती।
जो मनुष्य अंतरात्म स्वरूप से राम नाम का उच्चारण करता है वह स्थावर जंगम सभी भूत प्राणियों से रमण करता है, अर्थात सभी को अपना आत्म स्वरूप ही अनुभव करता है। राम यह मंत्र राज है, यह भय व्याधि का विनाशक है। रामचंद्र, राम राम इस प्रकार उच्चारण करने पर यह द्वयक्षर मंत्रराज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, तुम भी सदा राम नाम कहा करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से, मोहजनित समस्त सूक्ष्म और स्थूल पापों से छूट जाता है। कर्णोत्पला तीर्थ की उत्पत्ति, राजा सत्यसंध और कर्णोत्पला की अद्भुत कथा। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुल में सत्यसंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्रियों और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया। मेरी इस कन्या के कान उत्पल के समान हैं, इसलिए इसका नाम कर्णोत्पला रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुणावस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा यह विचार करने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे उसी के साथ कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके कन्या को साथ ले राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंचा था। अतः ब्रह्मा जी संध्योपासना के लिए उत्सुक हो समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नयनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो आया था। संध्योपासना पूर्ण करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया। इसी समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं मर्त्यलोक में स्थित अनर्त देश का राजा सत्यसंध हूँ और यह मेरी सुंदरी कन्या कर्णोत्पला है। मुझे भूतल पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, अतः आपकी सेवा में आया हूँ। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका ब्याह कर दूं। राजा की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें यहाँ आए 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तो तुम अपनी कन्या के साथ यहीं रहो। भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, सेवक आदि थे उन सबकी मृत्यु हो चुकी है। जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। यह देख उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरी माता हैं, सखियां हैं, अतः शीघ्र वहीं चलिए। पुत्री की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ सत्यसंध स्नेहार्द्र चित्त हो उसे साथ लेकर अपने देश को लौटे। वहां देखते हैं तो जहां पहले स्थल था वहीं अब जलाशय लहराते हैं और जहां जल था उस स्थान में दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई देते हैं। उस देश में और ही लोग थे तथा और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर भी किसी के साथ संबंध का अनुभव नहीं कर पाते थे। मर्त्यलोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय भूपाल ने पूछा, यहाँ का राजा कौन है, यह देश कौन है और यह नगर कौन सा है। तब वहां के लोगों ने बताया, इस देश का नाम तो अनर्त है। धर्मज्ञ वृहद्वल इस देश के राजा हैं। यह प्राप्तिपुर नगर है तथा यह साबरमती नदी बहती है। इसी का यह गर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है जहां शांत, दांत, श्रेष्ठ गुणों में तत्पर, तपस्या में संलग्न, महान सौभाग्यशाली तथा स्नान एवं जप में लगे हुए यह मुनि लोग निवास करते हैं। यह सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देख दयावश वहां आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम इस वृद्धा के साथ क्यों दुख से पीड़ित होकर रोते हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? सत्यसंध ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्थ देश का राजा था। मेरा नाम सत्यसंध है। यह मेरी पुत्री कर्णोत्पला है। मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहां 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा था, उसके बाद लौट कर आया हूँ तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देखता हूँ। यह सुनकर वहां के लोगों ने राजा बृहद्बल के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। सुनकर राजा बृहद्बल वहां पैदल ही आए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, महाराज, आपका स्वागत है।
मुझ सेवक के साथ अपना यह राज्य पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भोपाल बृहद बल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैंने बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए तथा पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेघ आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा जिससे इसको पुनः पूर्ववत तरुणावस्था प्राप्त हो जाए। बृहद्बल बोले, प्रभो, मैंने परंपरा से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी हैं। राजा सत्यसंध अपनी कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए और फिर लौट कर नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उस राज्य का पालन किया। उसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहय का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। उसी महाराज सुहय की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। मैं उनसे 77वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गर्दा तीर्थ में रहकर तपस्या करें जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। सत्यसंध ने कहा, वत्स, पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभेश्वर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वह स्थान आज भी है ही। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। तदनंतर पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। कर्णोत्पला भी किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धा पूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट हो पार्वती देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, बेटी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मनोवांछित वर मांगो। कर्णोत्पला बोली, देवी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वे इसी के लिए राज्य, सुख और कुटुंब सबसे वंचित हुए और अब वैराग्य को प्राप्त हो तप करते हैं। मैं कुमारी से सहसा वृद्धा हो गई, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौंदर्य पुनः लौटावे तथा मुझे कोई श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। देवी ने कहा, शुभे, माघ मास की तृतीया को जब शनैश्चर दिन और घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तुम यौवन तथा रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवावस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो उस दिन इसी उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर पार्वती देवी अंतर्धान हो गईं। वह योग आने पर करणोत्पला ने रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अन्य मनोरथों का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह दिव्य रूप और यौवन से संपन्न हो जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभागे, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हुआ कामदेव हूँ, तुम मेरी पत्नी बनो। करणोत्पला ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कभी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके सुंदर रूप और युवावस्था प्राप्त की है, अतः अब आप मेरा विवाह करके अंतः सुख लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। कन्या को पूर्ववत युवावस्था से युक्त देख राजा ने कहा, बेटी, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान करें, इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वह रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई, इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह करणोत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो स्त्री और पुरुष माघ भर उसमें स्नान करते हैं उन्हें प्रयाग स्नान का फल मिलता है और कभी बंधुजनों के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। शांडिली के उपदेश से कात्यायनी के द्वारा पंचपिंडा गौरी की उपासना और पति प्रेम की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी के दो स्त्रियां थीं, दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थीं। उनमें से जो बड़ी स्त्री थी उसका नाम मैत्रेयी था और छोटी का नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित दो सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान है। वहां स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शांडिली के दो उत्तम तीर्थ और हैं, जहां परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को शांडिली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वहां एकाग्रचित्त हो स्नान करती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त, कानी, बूढ़ी और नाटी है
वह भी उस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती है। एक दिन कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली, उस समय उसने शांडिली को देखा। वह पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय तथा प्रसन्नता पूर्ण दृष्टि से उसी का मुंह निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी अपने चित्त में यह विचार करने लगी कि यह तपस्विनी धन्य है जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यही सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। तदनंतर एक समय जब शांडिली के पति किसी कार्य से बाहर चले गए, तब एकांत में बैठी हुई शांडिली के पास कात्यायनी गई और आदर पूर्वक बोली, कल्याणी मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, कभी कटु वचनों द्वारा पत्नी का अपमान न करे। शांडिली बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल्य जब नई अवस्था के थे तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उस तपोवन में ही मैं क्रमशः बड़ी हुई और होम के समय पिताजी की यथा योग्य सेवा करती रही। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनि श्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए तब मेरी माता ने उनसे विनय पूर्वक पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यह हमें एक कन्या पैदा हुई है जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो ऐसा उपाय बताइए। कोई व्रत नियम होम मंत्र आदि ऐसा बताइए जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो जो प्रिय बोलने वाला तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता का यह वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी हैं जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की है। उन्हीं पंचपिंडा गौरी की यह एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करे। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर यह यथा योग्य पति प्राप्त करेगी। ऐसा कहकर माता से विदा ले मुनि श्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नता पूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। कात्यायनी, कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की और गंध माल्य अनुलेपन भांति भांति के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उसी के प्रभाव से मुझे ये जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विज पति रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः कल्याणी, तुम भी इन पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिली का कथन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और एक वर्ष तक वह इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान्न आदि सरस भोजनों से गौरी देवी को तृप्त किया। तदनंतर वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क स्वयं उसके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, शुभे चलो चलो अपने घर चलें। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवा ले गए और मैत्रेयी के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। तत्पश्चात कात्यायनी से उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम कात्यायन था। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। उस कात्यायन के पुत्र वररुचि हुए जो समस्त गुणों के समुद्र सर्वज्ञ एवं वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की है। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके द्विज वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। वास्तुपद तीर्थ तथा अजागृहा देवी की महिमा और एक ब्राह्मण का रोगों से उद्धार। सूत जी कहते हैं, कात्यायन ने हाटकेश्वर क्षेत्र में वास्तुपद नामक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया जो मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला है। वहां पर 48 देवताओं की पूजा होती है जो पूजित होने पर तत्क्षण सिद्धि प्रदान करते हैं। याज्ञवल्क के पुत्र कात्यायन तथा विश्वकर्मा ने वहां संसार के हित के लिए शाला कर्म आदि करके वास्तु पूजा की थी, इसीलिए उस क्षेत्र में वास्तुपद नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। उसके दर्शन करने पर मनुष्य पाप से
तथा कर्मनाश के दोष से छूट जाता है। घर में जो शिला, कुत्सित पद और कुवास्तु जनित दोष होते हैं वे उस तीर्थ के दर्शन से मिट जाते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र में महात्मा कात्यायन ने उस वास्तु पद की प्रतिष्ठा की थी। अतः वैसा समय आने पर जो मनुष्य उसी विधि से वास्तु पद की पूजा करता है वह राजा होता है। शिल्प आदि की दृष्टि से दोषयुक्त और उपद्रवपूर्ण घर को पाकर भी मनुष्य यदि उस तीर्थ का संयोग प्राप्त कर ले तो उसी दिन से उसके घर में अभ्युदय होने लगता है। ब्रह्मर्षियों, जिस समय सर्वलोक हितकारी राजा अजापाल राज्य करते थे उस समय संपूर्ण व्याधियां उनके यहाँ अजा अर्थात बकरी के रूप में रहती थीं। उनको अपने अधीन सुरक्षित रखने के कारण ही वे अजापाल कहलाते थे। वे उन सब बकरियों को रात में ले जाकर एक स्थान पर रख देते थे। अतः उन अजाओं का आश्रय स्थान अजागृह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हाटकेश्वर क्षेत्र में अजागृह नामक जो तीर्थ है वह दर्शन करने पर भूतल के समस्त मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। विप्रवरो, उस क्षेत्र में एक समय कोई तपस्वी रूपधारी ब्राह्मण आया और तीर्थ यात्रा के प्रसंग से रात में वहां ठहरा। उसने उस अजावृंद को निर्भय बैठा देख यह अनुमान किया, यहां निश्चय ही कोई मनुष्य रहता होगा, अन्यथा रात को इस वन में रक्षक से रहित पशु कैसे टिक सकते हैं। वह रक्षक कहीं से आता ही होगा, अतः मैं निर्भय होकर यहीं रहूंगा। इस प्रकार विचारते हुए तपस्वी ब्राह्मण वहीं सो गया। सोते हुए ही उसकी सारी रात बीत गई। सोकर उठने पर वह बहुत थका हुआ सा हो गया। सवेरा होने पर जब उसने अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया तो अपने को कोढ़ आदि रोगों से घिरा पाया। उस स्थान से एक पग भी कहीं अन्यत्र जाने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। उन भयंकर रोगों से युक्त होकर वह सोचने लगा, क्या कारण है कि मेरा शरीर अकस्मात ऐसा हो गया। इतने में ही वहां एक तेजस्वी पुरुष आए। उन्होंने उस अजायूथ को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और बाएं हाथ में डंडा लेकर सबको चराने के लिए ले चला। इसी समय उनकी दृष्टि भय और रोगों से घिरे हुए उस ब्राह्मण पर पड़ी जो कहीं भी जाने में असमर्थ था। तब राजा ने आदर पूर्वक पूछा, द्विज श्रेष्ठ, तुम कौन हो जो इस दशा में इस स्थान पर आए हो? मेरे राज्य में तो कहीं किसी के भी कोई रोग नहीं है। तुमने भी मेरा नाम सुना होगा, मैं ही राजा अज हूँ। लोगों के हित के लिए मैं समस्त रोगों को अजा के रूप में एकत्र करके उनकी रखवाली करता हूँ। तुम्हारे शरीर में जो रोग है उसे बताओ, जिससे मैं उस रोग को भी बांध लूं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर समस्त भूमंडल का भ्रमण करता हूँ। क्रमशः घूमता हुआ इस हाटकेश्वर क्षेत्र में आया हूँ। इन पशुओं को देखकर यहाँ किसी मनुष्य के भी स्थित होने की संभावना करके रात में यहीं इनके समीप सो गया था। सवेरा होने पर जब अपने शरीर की ओर देखता हूँ तब यह कोढ़ आदि रोगों से घिरा हुआ है। नृपश्रेष्ठ, ऐसा होने का क्या कारण है? इसे मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका। अब जिस प्रकार मेरा शरीर निरोग हो वह उपाय करो। तब राजा अजापाल ने उन रोगों से कहा, किसने मेरी आज्ञा भंग की है? रोग बोले, राजन, इस कार्य में आप हम लोगों पर कोप न करें। इस ब्राह्मण के शरीर में राज यक्ष्मा, कोढ़ और खुजली इन तीन रोगों का आवेश हुआ है। ये तीनों ही संसर्गज रोग हैं। इनमें से प्रथम दो रोग तो अमिट हैं। इन दोनों के लिए ब्रह्मा जी का शाप है जिससे इनकी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस विषय में जो आपको उचित प्रतीत हो सो करो। इस ब्राह्मण ने स्वयं ही इन तीनों अजाओं का स्पर्श कर लिया था, अतः जब तक इसका शरीर रहेगा वे दो रोग तो अवश्य बने रहेंगे। यह सुनकर राजा अजापाल भी वहीं ठहर गए और उस ब्राह्मण से बोले, विप्रवर, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। इस भयंकर रोग से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। वे भक्ति पूर्वक दिन रात उस क्षेत्र की देवी की आराधना करने लगे। मुंड, अथर्वशीर्ष, क्षेत्रपाल सूक्त तथा वास्तु सूक्त के मंत्रों द्वारा देवी की स्तुति करते हुए सरसों, लाल फूल, गुग्गुल और धूप की आहुति देते थे। तत्पश्चात नील रुद्र का विशेष रूप से जप करते थे। एक समय जब रात्रि व्यतीत हो रही थी उनके होम कुंड से मंत्रों द्वारा आकृष्ट हुई उस क्षेत्र की देवी धरती फोड़कर प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी हूँ। इस होम के प्रभाव से तुम पर प्रसन्न हो पृथ्वी से निकली हूँ। महाभाग, तुम्हारा जो कार्य हो उसे बताओ, मैं पूर्ण करूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम सदा इसी स्थान पर निवास करो जिससे रोगों के संसर्ग जनित दोष इस भूमि से विदा हो जाएं तथा ये ब्राह्मण देवता जैसे भी रोग मुक्त हो वैसा उपाय करो। क्षेत्र देवी बोली, राजन, इस स्थान को मैंने सब व्याधियों के दोषों से रहित कर दिया। आज से मैं सदा यहीं निवास करूंगी।
इस समय से जो भी व्याधिग्रस्त पुरुष इस स्थान पर आएगा और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा वह पूर्णतः निरोग हो जाएगा। अतः आज ये द्विज श्रेष्ठ आदर और भक्ति के साथ पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मेरी पूजा करें। इस क्षेत्र में एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है चंद्रकूपिका, उसमें से ब्राह्मण देवता प्रतिदिन स्नान करें। पूर्व काल में दक्ष के शाप से क्षय रोग से ग्रस्त हुए महात्मा चंद्रदेव ने अपने स्नान के लिए उस कूप का निर्माण किया था। इसके सिवा यहाँ खंडशिला नाम से प्रसिद्ध एक देवी रहती हैं, वहीं सौभाग्य कूपिका नामक तीर्थ है। उस कूप में स्नान करके ये खंडशिला देवी का दर्शन करें। पूर्व काल में कुष्ठ रोग से पीड़ित कामदेव ने अपने स्नान तथा कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उस सौभाग्य कूपिका का निर्माण किया था। इसी प्रकार यहाँ आप सरस कुंड है जिसमें रविवार के दिन स्नान करने से खुजली मिट जाती है। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने परम पवित्र चंद्रकूपिका में स्नान करके भक्ति भाव से देवी का पूजन किया। एक मास तक पूजा करने के बाद वे राज यक्षमा से मुक्त हो गए। तत्पश्चात कामदेव निर्मित सौभाग्य कूपिका का दर्शन और उसमें स्नान करके वे खंडशिला देवी का दर्शन प्रतिदिन करने लगे। एक मास तक ऐसा करने से उन्हें कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिल गया। उसके बाद रविवार को अप्सराओं के कुंड में स्नान करने से उनकी खुजली भी जाती रही। रोग मुक्त होकर ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा लेकर वे अभीष्ट स्थान को चले गए। इसके बाद राजा अज पुनः अपनी स्त्री के साथ पाताल लोक में हाटकेश्वर जी के समीप चले गए। अजागृह में स्थित होने के कारण उस क्षेत्र की देवी सब ओर अजागृहा के नाम से विख्यात हुई। आज भी राज यक्षमा से ग्रस्त हुआ जो मनुष्य उसी विधि से देवी का पूजन करता है वह शीघ्र ही निरोग हो जाता है। पतिव्रता की शक्ति से उसके मरे हुए पति को पुनः नव जीवन की प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद विद्या में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण से बहुत बड़ी थी। वह कुमारी धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई, परंतु किसी भी पुरुष ने उसका वरण नहीं किया, क्योंकि जो काम मोहित पुरुष अत्यंत थोड़े केश वाली, अत्यंत बड़ी तथा अधिक नाटी कन्याओं से विवाह करता है वह 6 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण सब लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग देते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तप में लगी हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, शुभे, तुम कन्या अवस्था में ऋतुकाल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो। अतः किसी पति का वरण करो जिससे पवित्रता को प्राप्त होगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा, यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरा पाणि ग्रहण करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा, यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले तो मैं तेरा पाणि ग्रहण करके तेरे साथ विवाह करूंगा। कुमारी बोली, द्विज श्रेष्ठ, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पाणि ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। तदनंतर ब्राह्मण ने गृह्य सूत्रोक्त विधान से देवता, अग्नि तथा गुरु के समीप उस कुमारी का पाणि ग्रहण किया। विवाह के पश्चात दीर्घिका ब्राह्मणी पति से बोली, नाथ, आज्ञा दीजिए, मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं। पति बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं, यदि कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई भरा हुआ बिछावन डाल दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे आपको मस्तक पर लेकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न हो पृथ्वी से शनैः शनैः उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और वह उसे माथे पर लेकर सब तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्नान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन संध्या होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंची। उस समय वह थक गई थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को शूली पर चढ़ाया गया था। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए शूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घिका माथे पर भार लेकर उसी मार्ग से निकली। उसके धक्के से वह शूल हिल गया और मुनिवर मांडव्य का शरीर भी विचलित हो गया। इससे उन्हें बड़ी भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले, किस पापी ने मेरे शूल को हिला दिया जिससे मुझ दुखी का दुख और भी बढ़ गया।
दीर्घिका बोली, महाभाग मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। मांडव्य बोले, निष्ठुरे तुमने मुझे प्राणांतकारिणी पीड़ा दी है, इसलिए तुम्हारा अभीष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे शाप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। दीर्घिका बोली, यदि प्रातःकाल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब प्रातःकाल या सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घिका धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसने माथे पर से उतार दिया। उस समय कोढ़ी ने कहा, प्रिय मुझे प्यास लग रही है, अतः पीने के योग्य शीतल जल ले आओ। इतना सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक हो पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधकार में उसे कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। तब उसने पृथ्वी पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल आया। फिर परिश्रम से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया। उस समय पतिव्रता के भय से सूर्यदेव उदित नहीं हुए। इससे प्रातःकाल आने में बहुत विलंब हुआ। रात्रि को बहुत बड़ी होती देख यज्ञ कर्म करने वाले शांत चित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, दिवाकर आपका उदय क्यों नहीं होता? देखिए आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। सूर्यदेव ने कहा, देवताओं मैंने पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध करें। उसकी आज्ञा होने पर मैं सुखपूर्वक उदय हो जाऊंगा। 100,000 अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है उसी को स्त्री केवल पातिव्रत्य धर्म के पालन से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्र को गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े हो कोमल वचनों से बोले, पतिव्रते तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया सो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः शुभे तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्य देव उदित हों। दीर्घिका बोली, मांडव्य मुनि ने अकारण मेरे पति को शाप दिया है। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से क्या प्रयोजन है? तब सब देवता एक दूसरे की ओर देखकर दीर्घिका से बोले, भद्रे सूर्य का उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की भी मृत्यु हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाएं। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की सी हो जाएगी और तुम बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन करोगी, तथा तुम भी 15 वर्ष की सी अवस्था से युक्त एवं कमल के समान नेत्रों वाली होकर स्वेच्छानुसार मर्त्यलोक में सुख का उपभोग करोगी। और ये पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागी होंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही भगवान सूर्य बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। जान पड़ता था दूसरे कामदेव ही आ गए हैं। उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था, अतः इस नूतन जन्म से उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता था। तदनंतर देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतारकर कहा, मुने आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। तत्पश्चात पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है, अतः अब आप अपने आश्रम को पधारें और हमसे वर मांगें। शूली तीर्थ और दीर्घिका तीर्थ का प्राकट्य, मांडव्य मुनि का धर्मराज को शाप देना और उनके शूली पर चढ़ने का कारण। मांडव्य जी ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ गण मैं आप लोगों से वर ग्रहण करूंगा, परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पातक किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, विप्रवर तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को बींधा था। यही एक पाप तुमसे हुआ है, इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसीलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ।
तब मांडव्य ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा, धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए महान दंड दिया है, अतः मेरा शाप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित हो, जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे, तथा आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त हो अभीष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देख सब देवताओं ने कहा, भगवान, धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप उन्हें शाप के द्वारा शूद्र न बनावें, आप इनके ऊपर कृपा प्रसाद करें। मांडव्य ने कहा, मैंने जो बात कह दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और यह पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा, और यदि आप लोग मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। देवता बोले, जो प्रातःकाल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। पतिव्रता बोली, देवेश्वरो, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथनानुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। पतिव्रता से ऐसा कहकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। तदनंतर कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देख उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार मैंने यह दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, परम तपस्वी मुनिश्रेष्ठ मांडव्य को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। वहां विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्योपस्थान करते हुए विभ्राट इत्यादि सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। इसी समय कोई चोर किसी का धन चुराकर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे ही लगा हुआ वहां आया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वह धन उनके आगे रख दिया और स्वयं किसी गुफा के भीतर जा छिपा। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत से मनुष्य वहां एकत्र हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर यह धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? मांडव्य जी यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में छिपा है कुछ भी नहीं बोले, मौन व्रत में ही तत्पर रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले तब सब ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब दुरात्मा आभीर थे। उन्होंने पूर्वाक्त निश्चय करने के बाद फिर कुछ विचार नहीं किया। मुनि को तत्काल ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से शूली प्राप्त हुई। अन्न और जल के दान की महत्ता। अन्न दान के बिना वसुषेण को स्वर्ग में भी कष्ट होना तथा सत्यसेन द्वारा स्थापित मिष्ठान्न देवी की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल में अनर्थ देश में वसुषेण नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य कर पुत्र पौत्र का सुख देख करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतर मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुषेण ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी एवं दिव्य रत्नों से विभूषित हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, सूर्यश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है बताइए।
शचीपते भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है। इंद्र बोले, राजन तुमने असंख्य दान दिए हैं परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है, इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो। इंद्र बोले, उपाय तो है, यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुषेण में यह बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक अन्न और जल के दान की महत्ता, अन्न दान के बिना वसुषेण को स्वर्ग में भी कष्ट होना तथा सत्यसेन द्वारा स्थापित मिष्ठान्न देवी की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों प्राचीन काल में अनर्थ देश में वसुषेण नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य कर पुत्र पौत्र का सुख देख करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतर मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुषेण ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी एवं दिव्य रत्नों से विभूषित हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए, पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, सुरश्रेष्ठ मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है बताइए। शचीपते भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है। इंद्र बोले, राजन तुमने असंख्य दान दिए हैं परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है, इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो। इंद्र बोले, उपाय तो है, यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुषेण में यह बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक से नारद मुनि आ पहुंचे। तब इंद्र ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ प्रदान करके आदर के साथ पूछा, विप्रवर आप कहां से आए हैं और कहां जाने के लिए प्रस्थित हुए हैं। नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक से आया हूं और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूं। तब राजा बोले, मुनिश्रेष्ठ मुझ दीन पर कृपा कीजिए, पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन अनर्थ देश का स्वामी है, उससे कहिएगा मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है, उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका चित्त अत्यंत दीन एवं दुखी है, इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जलदान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और इंद्र से विदा लेकर वे भूलोक की ओर चल पड़े। वहां क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्थ देश में गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान्न भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से पौंसला चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न एवं खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया, इससे सब लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्न दान न कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ, अतः तुम अन्न दो,
मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा, आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहें। तब उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। एक वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले, तुम इच्छानुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर दर्शन करेगा, उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का आकंटक राज्य करने लगे। सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठान्नाद शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान्न की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है, वह देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। अदिति देवी द्वारा आराधित अमरेश्वर लिंग की महिमा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अमरत्व प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की है और उनका प्रभाव क्या है? सूत जी बोले, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की दो कन्याएं दिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पदभ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर हो दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में स्थित हुई अदिति देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, कल्याणी, तुम मनोवांछित वर मांगो। अदिति बोली, सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मारे जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दें। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अवध कर दें। श्री भगवान बोले, शुभे, जो मेरे इस लिंगमय विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएंगे, वे एक वर्ष तक शत्रुओं के द्वारा अवध रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य माघ कृष्णा चतुर्दशी को एकाग्र चित्त हो यहाँ जागरण करेंगे, वे भी एक वर्ष तक निरोग रहेंगे। जो इस शुभ देवस्थान में आएगा, उसे मृत्यु दूर से ही छोड़ देगी। यह सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्म्य का भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न हो अस्त्र शस्त्र ले लेकर दैत्यों पर चढ़ा आए। देवताओं को सहसा युद्ध के लिए आया देख दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया। जो मारने से बच गए, वे स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छिपे। तदनंतर इंद्र ने अपना राज्य प्राप्त किया। शेष दानवों ने उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें सब महात्म्य बताया। फाल्गुन की शिवरात्रि को पवित्र होकर जो पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है, वह काल आ जाने पर भी प्राण त्याग नहीं करता। दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम एक वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओगे। इंद्र को नारद जी से दैत्यों की यह मंत्रणा ज्ञात हो गई। तब उन्होंने सब देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके, हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हुए। उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन पुनः सब देवताओं ने आपस में विचार किया कि यदि हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे, तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा करेंगे और वे भी हमारी ही भांति अवध हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा के लिए यहीं टिके रहें और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र,
तथा 2 अश्विनी कुमार। ये 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सब लोग इंद्र सहित स्वर्ग में चले गए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों की 1 वर्ष तक मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वह अमर लिंग के नाम से 3 लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है तथा उसी दिन रात में वहां जागरण करता है, वह 1 वर्ष तक अपमृत्यु को नहीं प्राप्त होता। शुकदेव जी का जन्म, वैराग्य, व्यास जी के साथ उनका संवाद और वन गमन। सूत जी कहते हैं, वहीं पर चटकेश्वर नामक महादेव जी हैं, जो मनुष्यों को पुत्र प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में चेटिका ने वहां तप किया था, उसने व्यास से कपिंजल नामक पुत्र पाया था। एक समय की बात है, शांत चित्त महात्मा व्यास जी के मन में पत्नी के लिए अभिलाषा हुई। तब उन्होंने जाबाली मुनि से उनकी सुंदरी कन्या मांगी। जाबाली ने चेटिका नाम की कन्या व्यास जी के साथ ब्याह दी। तब व्यास जी उसके साथ वन में रहते हुए मैथुन में प्रवृत्त हुए। ऋतुकाल में सत्यवती नंदन व्यास से मैथुन प्राप्त करके चेटिका गर्भवती हुई। उसका दूसरा नाम पिंगला भी था। उसके उदर में वह गर्भ दिन दिन पुष्ट होने लगा। 12 वर्ष बीत गए, किंतु वह गर्भ उत्पन्न नहीं हुआ। वह भीतर ही रहकर जो कुछ सुनता उसे याद कर लेता था। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने गर्भ में रहते हुए ही अंगों सहित संपूर्ण वेद पढ़ लिए। स्मृति, पुराण तथा मोक्ष शास्त्र का वह दिन रात पूर्ण रूपेण पाठ करता था। वह गर्भ में ज्यों ज्यों वृद्धि को प्राप्त होता था, त्यों ही त्यों उसकी माता अत्यंत पीड़ा को प्राप्त होकर व्याकुल होती जाती थी। तब विस्मय में पड़े हुए व्यास जी ने उस गर्भस्थ बालक से पूछा, तुम कौन हो? गर्भ का रूप धारण करके मेरी धर्म पत्नी की कुक्ष में आ बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? गर्भ बोला, जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उन सब में मैंने भ्रमण किया है। अतः मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? भयंकर संसार में भ्रमण करते करते मुझे बड़ा निर्वेद हुआ है। इस समय मनुष्य होकर इस उदर में आया हूं। अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्य लोक में निकलने का नहीं है। यहीं रहकर योगाभ्यास में तत्पर हो मोक्ष मार्ग को प्राप्त होऊंगा। व्यास जी ने कहा, वत्स, यदि तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस गर्भवास रूपी घृणित एवं घोर नरक से निकल आओ और योग का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त हो। गर्भ बोला, विप्रवर, जब तक जीव गर्भ में रहता है तभी तक उसे ज्ञान, वैराग्य तथा पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। जब वह गर्भ से निकलता है और भगवान विष्णु की माया उसे स्पर्श करती है, तब सारा ज्ञान भूल जाता है। इसलिए मैं इस गर्भ से किसी तरह बाहर नहीं निकलूंगा। व्यास जी ने कहा, वैष्णवी माया तुम पर किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं डालेगी, अतः तुम मुझे अपना मुख दिखाओ। तदनंतर 12 वर्ष के कुमार शुक, जो यौवन के समीप पहुंच चुके थे, गर्भ से बाहर निकले और व्यास तथा माता को प्रणाम करके उसी क्षण वनवास के लिए प्रस्थित हुए। तब मुनिवर व्यास ने कहा, बेटा, मेरे घर में ठहरो, जिससे तुम्हारे जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। शुकदेव बोले, मेरे जन्म जन्म में सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं, उन्हीं बंधनात्मक संस्कारों ने मुझे भवसागर में डाल रखा है। व्यास जी ने कहा, द्विज के बालक को पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थी और अंत में सन्यासी होना चाहिए, इसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शुकदेव जी बोले, यदि ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष होता है, तब तो नपुंसकों को वह सदा ही प्राप्त होना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रमियों की मुक्ति होती है, तब तो संपूर्ण जगत को ही मुक्त हो जाना चाहिए। यदि कहें वनवास में अनुरक्त रहने वालों की मुक्ति होती है, तब तो मृगों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए। यदि आपका यह विचार हो कि संन्यास धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को मोक्ष होता है, तब तो जितने दरिद्र मनुष्य हैं, उन सब की मुक्ति पहले हो जानी चाहिए। व्यास जी ने कहा, मनु जी का कथन है कि गृहस्थ धर्म में अनुरक्त हो सन्मार्ग पर चलने वाले मानवों के लिए यह लोक और परलोक दोनों सुखद होते हैं। गृहस्थाश्रमी पुरुषों के द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जो संग्रह किया जाता है, वह इहलोक और परलोक में भी सनातन सुख प्रदान करता है। सुखदेव जी बोले, दैव योग से कभी अग्नि से भी शीतलता प्राप्त हो सकती है, चंद्रमा से भी ताप हो सकता है, परंतु इस मर्त्य लोक में परिग्रह से भी सुख की उत्पत्ति हो, ऐसा न तो कभी हुआ है, न होता है और न आगे कभी होगा ही। व्यास जी ने कहा, बहुत पुण्य होने से किसी प्रकार इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म की प्राप्ति होती है। उसे पाकर यदि मनुष्य गृहस्थ धर्म का तत्व जानने वाला हो, तो उसे क्या नहीं मिल जाता। सुखदेव जी बोले,
यदि मनुष्य जन्म काल में अपनी अवस्था को देखकर ज्ञान युक्त होता है तो जन्म लेने के पश्चात वह सारा ज्ञान भूल जाता है। व्यास जी ने कहा, मनुष्य का पुत्र हो अथवा गधे का बच्चा, जब वह शरीर में धूल लपेटे चंचल गति से चलता और तोतली वाणी बोलता है, तब उसका वह शब्द भी लोगों के लिए बड़ा आनंददायक होता है। सुखदेव जी बोले, मुने, धूल में रेंगते और लौटते हुए अपवित्र शिशु से जो यहाँ संतुष्ट होते या सुख का अनुभव करते हैं वे अज्ञानी हैं। व्यास जी ने कहा, यमलोक में पू नामक महाभयंकर नरक है, पुत्रहीन मनुष्य ही उसमें जाता है, इसलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है। सुखदेव जी बोले, महामुने, यदि पुत्र से ही सब लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती तब तो सुअरों, कुत्तों और टिड्डियों को विशेष रूप से उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है, पौत्र के दर्शन से वह देव ऋण से मुक्त होता है, और प्रपौत्र को भी देख ले तब तो वह स्वर्ग का निवासी होता है। सुखदेव जी बोले, गीध दीर्घजीवी होता है, वह सदा अपनी कई पीढ़ी की संतानों को क्रमशः देखता है, किंतु क्या वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है? सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुखदेव जी वन में चले गए। अपने पुत्र सुख को गृहस्थी की ओर से निष्प्रिय देख चेटिका ने दुखी होकर व्यास जी से कहा, द्विज श्रेष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं पुत्र के लिए तपस्या करूं और उसके द्वारा महादेव जी को संतुष्ट करूं, जिससे मुझे वंश की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। ऐसा निश्चय करके व्यास जी की आज्ञा पाकर पतिव्रता चेटिका ने हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर तपस्या प्रारंभ की। उसने भगवान शंकर की स्थापना करके उनके आगे निर्मल जल से भरी हुई एक विशाल वापी निर्माण कराई, जो स्नान करने मात्र से समस्त पातकों का नाश करने वाली है। तदनंतर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिपुरारी महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रते, वरदान मांगो। चेटिका बोली, सुरश्रेष्ठ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे वंश की वृद्धि करने वाला, सदा ही मित्रों को आनंद देने वाला, सुशील तथा विनयी हो। श्री महादेव जी ने कहा, शोभने, तुमने जैसे पुत्र के लिए प्रार्थना की है वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी कोई भी जो स्त्री यहाँ वापी में स्नान करके एकाग्रचित्त हो, एक वर्ष तक प्रत्येक शुक्ला पंचमी को तुम्हारे द्वारा स्थापित मेरे इस लिंग का पूजन करेगी, वह वर्ष के अंत में सौभाग्य से संपन्न होगी। इसी प्रकार जो पुरुष यहाँ स्नान करके सकाम भाव से मेरी पूजा करेगा वह मनोवांछित कामना प्राप्त कर लेगा, और जो निष्काम भाव से मेरा पूजन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और चेटिका ने व्यास जी से कपिंजल नामक पुत्र प्राप्त किया। चेटिका द्वारा स्थापित होने से वह शिवलिंग चटकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। राजा सुरथ के द्वारा भैरव जी की स्थापना और आराधना तथा शंख तीर्थ, शिव, गणेश, गौरी और चक्रपाणी वासुदेव आदि देव विग्रहों के दर्शन का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, किसी समय सूर्यवंश में उत्पन्न सुप्रसिद्ध राजा सुरथ अपने राज्य से भ्रष्ट होकर पुरोहित वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और प्रणाम करके बोले, ब्रह्मन, इस समय शत्रुओं ने मुझ मंदभागी के राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, यदि ऐसी बात है तो तुम शीघ्र ही समस्त सिद्धियों को देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ, वहां भैरव रूप से महादेव जी की स्थापना करो, जिनके हाथ में उठे हुए त्रिशूल के अग्रभाग पर अंधकासुर का शरीर गुथा हुआ स्थित हो। इस प्रकार भैरव रूपी शिव की स्थापना करके नारसिंह मंत्र से लाल फूल, लाल चंदन तथा धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करो, इससे भैरव जी की शक्ति प्राप्त करके तुम तेज और वीर से संपन्न हो जाओगे और उन्हीं की कृपा से संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डालोगे। परंतु बड़ी पवित्रता के साथ तुम्हें भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा विघ्न की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ का यह वचन सुनकर राजा सुरथ तत्काल हाटकेश्वर क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने भैरव रूपधारी महादेव जी की स्थापना की और भक्ति पूर्वक नारसिंह मंत्र द्वारा उनका पूजन किया। उपासना के समय राजा बड़े ही पवित्र, संयमशील एवं ब्रह्मचर्य परायण रहते थे। नारसिंह मंत्र का 10,000 जप करने के पश्चात राजा के ऊपर भगवान भैरव संतुष्ट हुए और इस प्रकार बोले, राजन, इस मंत्र से पूजित होकर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मनोभिलषित वर मांगो। सुरथ बोले, सुरेश्वर, शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है, वह आपके प्रसाद से पुनः शत्रु रहित होकर मुझे प्राप्त हो। दूसरा कोई भी जो पुरुष यहाँ आकर इसी प्रकार पूजन करे, उसे भी सहस्त्र मंत्रों का जप पूरा होने पर आप मेरी ही भांति सिद्धि प्रदान करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुरथ ने भी संग्राम में शत्रुओं का वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया।
सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो मनुष्य शंख तीर्थ में विशेषतः एकादशी तिथि को स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो वहां सिद्धेश्वर सहित 11 रुद्रों का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसके द्वारा माहेश्वर तीर्थों के समस्त शिव विग्रहों का दर्शन संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ग्रहोत्था देवी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण दुर्गा मूर्तियों का दर्शन हो जाता है। जो मनुष्यों को स्वर्ग द्वार प्रदान करने वाले गणेश जी को देखता है, उसके द्वारा संपूर्ण गणेश विग्रहों का दर्शन कार्य संपन्न हो जाता है। जो वहां बरगद के नीचे शर्मिष्ठा द्वारा स्थापित गौरी जी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण गौरी विग्रहों का दर्शन हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर चक्रपाणी वासुदेव का दर्शन करता है, उसने समस्त वासुदेव विग्रहों का दर्शन कर लिया। जो मनुष्य सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात भक्ति पूर्वक भगवान चक्रपाणी का दर्शन करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गौरी, जया और विजया कुंड का महात्म्य, सिद्धि के उपाय तथा नागर खंड के पूर्वार्ध भाग के श्रवण का फल। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मर्षियों, वहीं पार्वती जी की सेविका जया निवास करती है और उसने वहां गौरी कुंड के समीप जया कुंड का निर्माण किया है। जो नारी तृतीया के दिन जया कुंड में स्नान करती है, वह पुत्र और सौभाग्य से संपन्न तथा पति की प्यारी होती है। जया कुंड के पास ही परम उत्तम विजया कुंड है। वहां स्नान करके वंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। इतना ही नहीं, वह कभी स्वप्न में भी पुत्रों के नाश या वियोग का दुख नहीं देखती। जो काक वंध्या स्त्री भी वहां स्नान करती है, वह अनेक पुत्र प्राप्त करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होती है। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 27 लिंग हैं, उनमें सत्वगुण और वीर्य से युक्त एक शिवलिंग की भी अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को आधी रात के समय जो पूजा करता है, तथा जो श्रेष्ठ साधक पूर्वोक्त रूप से अंग न्यास करके यजन पूजन एवं छुरिका सूत्र का पाठ करता है और उन शिवलिंगों के सामने स्थित होकर समस्त चराचर की मानसिक पूजा करके दिक्पालों में से प्रत्येक की भक्ति पूर्वक अर्चना करता है, वह उसी शरीर से उस दिव्य धाम को पहुंच जाता है, जहां कभी भी जरा मृत्यु तथा रोग शोक आदि नहीं होते। इसी प्रकार चित्रेश्वरी पीठ में भी एक सिद्धि बताई गई है। जो माघ कृष्णा चतुर्दशी को वहां श्रद्धा पूर्वक आगमोक्त विधि से पीठ की पूजा करता है तथा चित्र शर्मा द्वारा स्थापित हाटकेश्वर लिंग का शिवरात्रि को निशीत काल में 1,00,000 फूलों से भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह उसी शरीर से तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऋषि बोले, महामते, शुद्ध चित्त वाले ब्राह्मणों को जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे उपायों को आप बतावें। सूत जी ने कहा, 10 रुद्रों के साथ जो आनंदेश्वर लिंग है, उसके अग्रभाग में स्थित जो कुंड है, उसमें शास्त्रीय विधि से स्नान करके मनुष्य देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातः काल विश्वामित्र कुंड में स्नान करता है और ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजोत्तमों, इस प्रकार ब्राह्मणों के लिए हितकारक और देवताओं द्वारा प्रशंसित सिद्धि का उपाय बताया गया। उस तीर्थ में अन्य जो तीर्थ और मंदिर हैं, उन्हें भी मुनियों ने स्वर्गदायक कहा है। हाटकेश्वर महादेव जी के क्षेत्र का यह उत्तम महात्म्य मैंने आप लोगों से भली भांति कहा है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य यहाँ के सब तीर्थों में स्नान करके भक्ति पूर्वक सब देवस्थानों का दर्शन करता है, वह पापी भी हो तो मुक्त हो जाता है। यह स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा कहे हुए स्कंद पुराण के प्रथम खंड का वर्णन किया गया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से इसका पाठ या श्रवण करता है, वह इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके स्वर्ग लोक में जाता है। सब तीर्थों में और सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी को श्रद्धा पूर्वक इस महात्म का श्रवण करने से भी मनुष्य पा लेता है। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर इस पुराण को सुनकर मनुष्य कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। नागरखंड पूर्वार्ध संपूर्ण। नागरखंड उत्तरार्ध। सब पापों की शुद्धि के लिए पुरश्चरण सप्तमी व्रत की विधि एवं महिमा। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, किस समय और किस विधि से पुरश्चरण करना चाहिए? सूत जी ने कहा, पूर्व काल में महामुनि मार्कंडेय जी ने हरिश्चंद्र पुत्र राजा रोहिताश्व के पूछने पर जो कुछ कहा है, वही प्रसंग में सुनाता हूँ। रोहिताश्व बोले, मुने, मनुष्य ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो पाप करता है, उसके नाश का कोई उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी बोले,
संसार में मनुष्यों को मानसिक, याचिक और शारीरिक तीन प्रकार का पाप लगता है। इनमें से मनुष्यों को जो मानस पाप लगता है वह पश्चाताप करने से तत्क्षण नष्ट हो जाता है, परंतु जो वाचिक और कायिक पाप हैं वे बिना भोगे नष्ट नहीं होते अथवा पुरस्चरण द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप निवेदन करके उनके बताए अनुसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित करें। इससे मनुष्य शुद्ध होता है अथवा राजा जब उस पाप को जानकर तदनुकूल दंड देता है तब वह मनुष्य उस पाप से शुद्ध हो जाता है। जो लज्जावश श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप नहीं कहता तथा राजा भी जिसके पाप को नहीं जान पाता, जो शरीर में ही उस पाप को लिए जाता है, उसको दंड देने वाले साक्षात वैवस्वत यम हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष को पूर्ण प्रयत्न करके ब्राह्मणों के बताए अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। रोहिताश्व बोले, मुनीश्वर, मनुष्य नित्य ही सब और सूक्ष्म पाप करता है, उन सब के लिए प्रायश्चित करने की शक्ति कैसे हो सकती है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, एक पुरश्चरण सप्तमी नामक पुण्यदायक व्रत है जिसका अनुष्ठान करने से यमराज के पिता भगवान सूर्य जन्म भर के संचित पापों का नाश कर देते हैं। महाराज, तुम भी उसी व्रत को करो जिससे समस्त शारीरिक पापों से मुक्त हो जाओगे। रोहिताश्व बोले, मुनिश्रेष्ठ, पुरश्चरण सप्तमी व्रत का अनुष्ठान किस समय किस विधि से करना चाहिए? मार्कंडेय जी बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तब रविवार युक्त सप्तमी को इस व्रत का आचरण करना चाहिए। उस दिन पाखंडी और पतित मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल दातुन करके निम्नांकित मंत्र से व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। पुरश्चरण कृत्यायाम सप्तयाम दिवसाधिप उपवासम करिष्यामि अद्य त्वं शरणं मम। दिनेश, आज पुरश्चरण सप्तमी को मैं उपवास करूंगा, आप मुझे शरण दें, सहायक हूं। तदनंतर अपराह्न काल में स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहनकर पवित्र हो भगवान सूर्य की प्रतिमा का लाल रंग के फूलों से भक्तिपूर्वक पूजन करें। उसके बाद पादार्ध पूजन करें, फिर पतंगाय नमः इस मंत्र से पैरों की, मार्तंडाय नमः से दोनों घुटनों की, दिवसनाथाय नमः से गुह्य भाग की, द्वादश मूर्तये नमः से नाभि की, पद्महस्ताय नमः से दोनों बाहुओं की, तीक्ष्ण दीधीतये नमः से हृदय की, पद्मदलाभाय नमः से कंठ की तथा तेजो मयाय नमः से मस्तक की विधिवत पूजा संपन्न करके कपूर का धूप निवेदन करें। तत्पश्चात गुड़ भात का नैवेद्य अर्पण करें। उस नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढका हुआ रखें। इसी प्रकार लाल रंग के सूत्र से आवेष्टित दीप और आरती निवेदन करें। तदनंतर शंख में रक्त चंदन मिश्रित जल और फल लेकर अर्घ दे। यत् कृतं तु मया किंचित् ज्ञानाद्ज्ञानतोऽपि वा प्रायश्चित्त कृते देव मर्माध्यक्ष प्रगृह्यताम। देव, मैंने जानकर या अनजान में जो कुछ भी पाप कर्म किया है उसके प्रायश्चित के लिए मेरा अर्ध ग्रहण करें। इसके बाद गंध पुष्प और अनुलेपन आदि के द्वारा ब्राह्मण का भलीभांति पूजन करें। उसे भोजन देकर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। फिर शरीर शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करे और हाथ जोड़कर सूर्य देव का दर्शन करे। दर्शन के पश्चात नमस्कार करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव अविघ्नं सिद्धि माया तु प्रसादात्तव भास्कर। देव, भास्कर, मैंने यह व्रत आपके सामने ग्रहण किया है, आपके प्रसाद से इसकी निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि प्राप्त हो। तत्पश्चात फाल्गुन मास आने पर उक्त विधि से ही कुंद पुष्प के द्वारा सूर्य देव की पूजा करे, गुग्गुल का धूप दे और भात का नैवेद्य निवेदन करे। उस दिन सब पापों की शुद्धि के लिए गोमय का भोजन बताया गया है। चैत्र मास आने पर सुरभि सुगंधित पुष्प अथवा चंपा मौलसिरी या चमेली से सूर्यदेव की पूजा करें। उस समय नैवेद्य के लिए गुड़ बताया गया है। सरज रस का धूप निवेदन करें तथा कुशोदक का पान करें। इससे मनुष्य शारीरिक शुद्धि को प्राप्त होता है। वैशाख मास में घृताहारी होकर पलाश के फूलों से सूर्यदेव की पूजा करें और आम का नैवेद्य तथा जटामासी का धूप देवे। इस महीने में शरीर की शुद्धि के लिए दही का भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ में पाडर के फूल से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के लिए सत्तू बताया गया है और समस्त पापों की शुद्धि के लिए कपिला गाय के घी का भोजन करना चाहिए। आषाढ़ में अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य के लिए खीर का विधान है और शरीर शुद्धि के लिए घी के साथ मधु पीना चाहिए। उस समय श्रद्धा पूर्वक अगरु का धूप निवेदन करें। श्रावण में कदम के फूल से सूर्यदेव का पूजन करें।
लड्डू का नैवेद्य भोग लगावे और तगर का धूप दे। तत्पश्चात गोश्रृंग का जल ग्रहण करके मनुष्य सब पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास में जाति पुष्प अर्थात चमेली से भगवान सूर्य की पूजा करे, दूध का नैवेद्य भोग लगावे, राल का धूप दे और शरीर शुद्धि के लिए दूध पिए। आश्विन मास में कमल के फूलों से पूजा करे, घी की पूड़ी का नैवेद्य निवेदन करे, कुमकुम का धूप दे और शरीर शुद्धि के लिए कपूर खाए। कार्तिक मास में तुलसी से सूर्यदेव की पूजा बताई गई है, खांड का नैवेद्य और कुसुम का धूप देना चाहिए। उस समय लवंग का भोजन सब पापों का शोधक बताया गया है। अगहन में भृंग राजपत्र से पूजा करे, पुआ का नैवेद्य और गुड़ का धूप निवेदन करे। उस समय सूर्य की प्रसन्नता के लिए कंकोल का भोजन करना चाहिए। पौष में शतपत्री से सूर्य की पूजा बताई गई है, नैवेद्य के लिए पूड़ी और धूप के लिए घी का विधान है। उस समय शरीर शुद्धि के लिए पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का भोजन करें। व्रत की समाप्ति होने पर सब पापों की शुद्धि के लिए घर की वस्तुओं का छठा भाग ब्राह्मण को दान कर दे। तदनंतर अपनी शक्ति के अनुसार प्रिय पदार्थों का ब्राह्मण वर्ग को भोजन करावे। इस प्रकार जो सूर्य सप्तमी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो निर्मल हो जाता है। चंड शर्मा के द्वारा 27 शिवलिंगों का पूजन, शिव कृपा प्राप्ति, ऋचिक मुनि का गाधी पुत्री के साथ विवाह और जमदग्नि का जन्म। सूत जी कहते हैं, चंड शर्मा नामक एक ब्राह्मण था जिसे नागर ब्राह्मणों ने किसी कारण से जाति च्युत घोषित करके चमत्कारपुर से बाहर कर दिया था। चंड शर्मा नगर से बाहर सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। वह सरस्वती में स्नान करके पवित्र और एकाग्र चित्त हो षडक्षर मंत्र का जाप करता और 27 लिंगों के पृथक पृथक नाम का नमस्कारांत उच्चारण करके जपता था। पंख की मिट्टी लेकर 5 अंगुल के 27 शिवलिंग बनाकर उनकी स्थापना करता और पुष्प धूप एवं चंदन आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक उन सब की पूजा करता था। फिर परम श्रद्धा पूर्वक प्राण रुद्र संबंधी मंत्रों को जपता था। शिवलिंग अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में, किसी भी दशा में उसको अपने स्थान से विचलित न करें, ऐसा मानकर द्विज श्रेष्ठ चंड शर्मा उन शिवलिंगों का कभी विसर्जन नहीं करता था। उनके ऊपर ऊपर वह प्रतिदिन पंख में 27 शिवलिंगों को स्थापित करता जाता था। इस प्रकार दीर्घकाल में वहां पंख का पर्वत सा खड़ा हो गया। तब उसकी भक्ति की अधिकता देखकर महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और धरती को भेद कर उसे अपने दिव्य लिंग का दर्शन कराया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, चंड शर्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे सिवा और दूसरा भी जो कोई इन 27 लिंगों का इस प्रकार पूजन करेगा वह भी कल्याण का भागी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चंड शर्मा ने भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हुए दिव्य लिंगमय स्वरूप का यथावत पूजन किया और उसके लिए उत्तम मंदिर का निर्माण कराया। उसी से वह शिवलिंग नगरेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करके विप्रवर चंड शर्मा ने पुष्प धूप और चंदन आदि के द्वारा भगवान शिव की पूजा की। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात नगरेश्वर के प्रसाद से वह साक्षात शिवधाम में चला गया। चंड शर्मा की पत्नी शाकंभरी ने सरस्वती नदी के तट पर श्री दुर्गा देवी को स्थापित किया तथा उत्तम भक्ति से दिन रात उनकी आराधना की। तब उस पर प्रसन्न होकर दुर्गा देवी ने कहा, बेटी शाकंभरी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शाकंभरी बोली, देवी, चमत्कारपुर में जो प्रसिद्ध 64 मातृका गण हैं वे सब संतुष्ट हूँ। देवी ने कहा, जो अश्विन शुक्ला महानवमी के दिन मेरे आगे आकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। विशेषतः नागर ब्राह्मण की हुई पूजा अवश्य सफल होगी, यह सब मैंने सत्य कहा है। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अदृश्य हो गईं। शाकंभरी द्वारा स्थापित देवी दुर्गा उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से लेकर सरस्वती के पुण्य तट पर बाह्य नागर ब्राह्मणों का एक महान स्थान बन गया। पुत्र पौत्र तथा दौहित्र आदि से युक्त होकर उन सब की संख्या बहुत बढ़ गई और विद्या तथा महान वैभव की दृष्टि से वह स्थान चमत्कारपुर से भी अधिक विख्यात हुआ। तदनंतर किसी समय विश्वामित्र जी ने क्रोध करके सरस्वती को शाप दे रक्त बहाने वाली कर दिया। तब वे बाह्य नागर सरस्वती नदी को छोड़कर वहां से दूर चले गए और नर्मदा के पावन तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम के समीप निवास करने लगे। ऋषियों ने पूछा, बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने सरस्वती को किस कारण शाप दिया? सूत जी ने कहा, महर्षियों, प्राचीन काल में भृगु के पुत्र महामुनि ऋचिक प्रसिद्ध महात्मा थे।
वे व्रत स्वाध्याय में तत्पर तपस्वी और महायशस्वी थे। एक समय मुनीश्वर ऋचिक जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए भोजकट नामक स्थान में गए। वहां राजा गाधी राज्य करते थे। त्रिभुवन विख्यात कौशिकी नदी वहीं बहती है। ऋचिक जी वहां कौशिकी नदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण कर तट पर बैठे तथा ध्यानस्थ होकर जप करने लगे। इतने में ही वहां सर्वगुण संपन्ना राजकन्या आई। उसे देखकर मुनि ने निकटवर्ती मनुष्यों से पूछा, यह साध्वी कन्या किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई है? लोगों ने कहा, यह महाराज गाधी की त्रिभुवन सुंदरी कन्या है, जो सर्वगुण संपन्न उत्तम पति की इच्छा रखती हुई यहाँ गौरी जी की पूजा के लिए अंतःपुर से आई है। इस नदी के तट पर यह जो बहुत बड़ा मंदिर सुशोभित है, इसमें संपूर्ण देवताओं से पूजित उमा देवी निवास करती हैं। यह राजकन्या मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करके भांति भांति के नैवेद्य भोग लगावेगी और वीणा बजाकर कानों को सुख देने वाला मधुर संगीत सुनावेगी। तत्पश्चात जब सूर्य का ताप कुछ कम होगा, तब यह अपने महल में पधारेगी। उन मनुष्यों का यह वचन सुनकर ऋचिक मुनि राजा गाधी के घर गए। उन्हें सहसा अपने घर पर आया देख नृपश्रेष्ठ गाधी शीघ्र उनके सम्मुख गए और शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन करके बोले, विप्रवर, यद्यपि आप स्वभाव से ही निष्प्रिय हैं, तथापि अपने आगमन का कारण बताइए। ऋचिक जी ने कहा, राजेंद्र, आपके एक सुंदरी कन्या है जो अब वर के योग्य हो गई है। आप ब्राह्म विवाह की विधि से वह कन्या मुझे दीजिए। पार्वती जी के पूजन के निमित्त गई हुई उस कन्या को मैंने देखा है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ गाधी भयभीत हो गए। एक तो मुनि अपने समान वर्ण के नहीं थे, दूसरे दरिद्र और बूढ़े थे, फिर भी कन्या न देने पर उनसे शाप मिलने का डर था। यह सब सोचकर राजा ने कहा, विप्रवर, हमने कन्यादान के लिए शुल्क नियत कर रखा है। यदि वह आप दे सकेंगे, तब निश्चय ही आपको अपनी कन्या दूंगा। ऋचिक जी ने पूछा, नृपश्रेष्ठ, कन्या का शुल्क क्या है, यह आप मुझे बताइए। गाधी बोले, द्विजेंद्र, वायु के समान वेग वाले श्वेत रंग के 700 घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो, मेरी कन्या के शुल्क रूप में प्राप्त होने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर मुनिश्रेष्ठ ऋचिक कान्य कुब्ज देश में गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा गाधी के बताए अनुसार श्याम कर्ण घोड़ों की प्राप्ति के लिए विनियोग पूर्वक ऋषि छंद और देवता का स्मरण करके अश्वो वोलहा इत्यादि 64 ऋचाओं वाले सूक्त का जप करने लगे। तब वे अश्व गंगा जी के जल से प्रकट हो गए। उन सब का रंग श्वेत और एक एक कान श्याम था। वे सभी बड़े वेगशाली अश्व थे, उनके साथ उतने ही सवार भी थे। तब से गंगा के शुभ पुण्य तट पर वह स्थान भूतल में अश्व तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन विश्वास पात्र पुरुषों के साथ 700 घोड़ों को पाकर ऋचिक मुनि उस स्थान पर गए जहां राजा गाधी रहते थे। वहां पहुंचकर मुनि ने कन्या के लिए वे उत्तम अश्व राजा को समर्पित किए। तब राजा गाधी ने उन घोड़ों को ग्रहण करके गृह्य सूत्रोक्त विधि से ब्राह्मण और अग्नि की साक्षिता में वह त्रिभुवन सुंदरी कन्या ऋचिक मुनि को ब्याह दी। विवाह हो जाने पर ऋचिक मुनि अपनी स्त्री की ओर से निष्काम हो गए और बोले, सुंदरी, मैं तपस्या के लिए वन में जाऊंगा, तुम कोई वर मांगो। उनका यह वचन सुनकर राजकुमारी दुखी होकर अपनी माता के पास गई और मुनि ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर माता ने कहा, बेटी, यदि तुम्हारे पति तुम्हें मनोवांछित वर देते हैं, तो उनसे अपने लिए ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न एक पुत्र मांगो और मेरे लिए क्षत्रियोचित गुणों से युक्त एक पुत्र के लिए प्रार्थना करो। माता की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी ऋचिक मुनि के पास गई और माता ने जैसा कहा था वह सब उनसे कहा। पत्नी का यह वचन सुनकर ऋचिक मुनि ने विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 2 चरु तैयार किए। एक में तो उन्होंने ब्राह्मणोचित तेज एवं संपूर्ण यश का आधान किया और दूसरे में संपूर्ण छात्र तेज स्थापित कर दिया। तदनंतर उन्होंने पहले अपनी पत्नी को उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त चरु प्रदान किया और कहा, तुम इसे खा लो और खाने के बाद पीपल के वृक्ष का आलिंगन करो, इससे तुम्हें ब्रह्म तेज से संपन्न उत्तम पुत्र प्राप्त होगा तथा यह जो दूसरा चरु है इसे अपनी माता को दे दो। साथ ही उन्हें समझा दो कि वे इस चरु को खाकर बरगद के वृक्ष का आलिंगन करें, ऐसा करने से उन्हें क्षत्रिय तेज से युक्त श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। घर में जाकर दोनों माँ बेटी प्रसन्न चित्त होकर आपस में बात करने लगी कि मुनि का वचन अवश्य सत्य होगा।
तदनंतर माता ने पुत्री से कहा, संसार में सब लोग अपने लिए उत्तम वस्तु चाहते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो चरु है उसमें अवश्य कोई न कोई विशेषता होगी, अतः अपना चरु मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। माता के ऐसा कहने पर पुत्री ने चरु और वृक्ष में अदला बदली कर ली। तत्पश्चात ऋतु स्नाता होने पर दोनों स्त्रियों ने गर्भ धारण किया। त्रिभुवन सुंदरी राजकन्या उस गर्भ को प्राप्त होकर क्षत्रिय तेज से युक्त हो गई। वह मन ही मन हाथी घोड़े पर चढ़ने तथा राज्य करने की बात सोचने लगी। देवताओं और असुरों की युद्ध कथा बड़े रुचि के साथ सुनने लगी। उसके क्षत्रियोचित कर्म देखकर मुनि ने कुपित होकर पूछा, पापिनी तुमने यह क्या किया? अवश्य ही चरु और वृक्ष में तुमने परिवर्तन कर लिया है, अतः इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भाई ब्राह्मण। गर्भ के चिन्हों से ऐसा ही प्रतीत होता है। शास्त्र चिंतकों ने यह बात कही है कि गर्भिणी स्त्री के मन में जैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है, वैसे ही गुणों से युक्त पुत्र उसके गर्भ से उत्पन्न होता है। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो आपने जो कहा है वह सत्य है। हमारे द्वारा चरु परिवर्तन का अपराध हो गया है, तथापि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो। ऋचिक बोले, जो कुछ भी ब्राह्मणोचित तेज और गुण है वह सब मैंने तुम्हारे चरु में स्थापित कर दिया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियोचित क्षत्रिय तेज का आधान किया था, अतः मैं शास्त्र के विरुद्ध उसमें उलटफेर कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना से इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रियोचित गुण से युक्त न होकर पौत्र वैसे गुणों से विभूषित होगा। वह अपने छात्र तेज के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्घर्ष होगा। तत्पश्चात मुनि के इस सत्य वरदान को पाकर सती साध्वी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने अपनी माता से पति की कही हुई सब बातें बताईं। इसके बाद 10वें महीने में पुष्य नक्षत्र आने पर राजकुमारी ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म तेज से सुशोभित तपस्या के निधान और परम पवित्र पुत्र को जन्म दिया, जो तीनों लोकों में जमदग्नि के नाम से विख्यात हुए। जमदग्नि के ही पुत्र महायशस्वी परशुराम हुए, जिन्होंने पितामह ऋचिक मुनि के दिए हुए छात्र तेज के प्रभाव से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य किया था। विश्वामित्र की उत्पत्ति, राज्य प्राप्ति, वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर नंदिनी द्वारा सेना सहित विश्वामित्र का सत्कार, नंदिनी के कोप से उनका पराभव तथा राज्य त्याग कर तप करने का निश्चय। सूत जी कहते हैं, गाधी की महारानी ने भी मंत्र से सिद्ध किए हुए चरु का भक्षण करके उसी वर्ष में गर्भ धारण किया। गर्भवती होने पर साध्वी रानी तीर्थ यात्रा में तत्पर हुई और अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने लगी। जहां वेद मंत्रों की ध्वनि हो वहां वे बड़े हर्ष से जाती और सुनती। 10वां मास पूर्ण होने पर उन्होंने भी उत्तम कांति से युक्त पुत्र उत्पन्न किया, जो चराचर जगत में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकाश में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार महाभाग विश्वामित्र भी नित्य प्रति बढ़ने लगे। जब वे युवावस्था से संपन्न एवं राज्य करने में समर्थ हुए, तब उनके पिता गाधी ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। राज्य संचालन में नियुक्त होकर भी विश्वामित्र जी प्रायः ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार एवं सत्संग में ही संलग्न रहते थे। एक समय उन्होंने वन में प्रवेश किया और बहुत से हिंसक पशुओं को मारा। फिर जेठ की तपती हुई दोपहरी में भूख प्यास से पीड़ित हो वे महात्मा वशिष्ठ के आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी ने भी नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र को आया देख प्रसन्नता पूर्वक उनकी अगवानी की तथा उनके लिए अर्ध और मधुपर्क निवेदन करके कहा, महीपाल आपका स्वागत है, कहिए मेरे आश्रम पर पधारे हुए आपका मैं कौन सा अभीष्ट कार्य पूर्ण करूं। विश्वामित्र जी बोले, मुनीश्वर मेरी इंद्रियां प्यास से व्याकुल हो रही थीं। मैं जल पीने के लिए आपके आश्रम पर आया था, सो यहां शीतल जल पी लिया, मेरी प्यास बुझ गई है, अब आज्ञा दीजिए जिससे अपने घर को जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मध्यान्ह काल में सूर्य अत्यंत तापदायक है, अतः इस समय मेरे आश्रम में ही भोजन करके अपराह्न काल में जाइएगा। विश्वामित्र जी बोले, मुने मैं चतुरंगिणी सेना के साथ यहाँ आया था, आपके आश्रम के द्वार पर मेरी सेना भी स्थित है। जो स्वामी अपने सेवकों के भूखे रहने पर भी भोजन कर लेता है वह भयंकर नरक में जाता है, इसलिए मुझे घर लौटने की आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि आपके सेवक मेरे द्वार पर भूखे हैं तो उन सबको बुलाइए, मैं सभी को भोजन से तृप्त करूंगा।
यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने संपूर्ण सेना को वहीं बुला लिया और स्नान, संध्या, तर्पण तथा जप करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इसी समय वशिष्ठ जी ने नंदिनी नामक धेनु का आवाहन किया और वह विश्वामित्र के आगे आकर खड़ी हो गई। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य तथा पेय आदि विविध खाद्य पदार्थों के द्वारा सेना सहित महाराज विश्वामित्र को तृप्त करो। साथ ही इनके घोड़े और हाथी आदि के लिए भी चारे दाने आदि की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर नंदिनी ने क्षण भर में 10,000 सेवकों को उत्पन्न किया। उन सब ने सब प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेकर विश्वामित्र की सेना के प्रत्येक व्यक्ति को पृथक पृथक भोजन परोसा। सेना, परिवार, हाथी, ऊंट, घोड़े और बैल आदि सहित महाराज विश्वामित्र पूर्णतः तृप्त हो गए। यह कौतुक देखकर मंत्रियों सहित विश्वामित्र ने विचार किया कि इस उत्तम धेनु को अपने घर ले चलना चाहिए, ये ब्राह्मण देवता इसे रखकर क्या करेंगे। ऐसा विचार करके विश्वामित्र ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, यह गौ मुझे दे दीजिए। इसके मूल्य के रूप में मैं आपको उत्तम रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य मनोवांछित पदार्थ दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हमारी होम धेनु है। ब्राह्मणों के लिए साधारण गौ का विक्रय भी अनुचित है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाली नंदिनी की तो बात ही क्या है। महाराज, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता है, उसे माता को बेचने वाला चांडाल समझना चाहिए। इसलिए महामते, यह नंदिनी मैं आपको नहीं दूंगा। विश्वामित्र बोले, मुने, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी रत्नभूत पदार्थ है, वह सब राजा का धन है, ऐसा नीतिज्ञ विद्वान कहते हैं। अतः यह रत्नभूता नंदिनी गाय मेरे द्वारा बलपूर्वक ले ली जा सकती है। इतना कहकर उन्होंने नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने की आज्ञा अपने सेवकों को दे दी। उनके अनुचर नंदिनी को डंडों से पीटते हुए ले जाने लगे। तब नंदिनी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने, क्या आपने मुझे इनको दे दिया है जो ये मालिक की भांति मुझे बलपूर्वक ले जाते हैं। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी तुम्हें त्याग नहीं सकता। ये लोग अन्यायपूर्वक तुम्हें ले जाते हैं, तुम स्वयं ही इनसे आत्मरक्षा करो। इतना सुनकर नंदिनी ने क्रोधपूर्वक हुंकार किया। हुंकार करते ही उसके शरीर से असंख्य म्लेच्छ सेना प्रकट हुई। इस सेना ने विश्वामित्र के समस्त सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। तब विश्वामित्र ने स्वयं ही धनुष लेकर उस सेना का सामना किया। नंदिनी के इन सैनिकों ने विश्वामित्र के हाथी, घोड़े आदि सबका सफाया कर डाला और उन्हें भी मारने के लिए सब ओर से घेर लिया। उनके प्राणों पर संकट देख वशिष्ठ जी ने कहा, नंदिनी, राजा अवध्य होता है, इन्हें बचाओ। राजा के होने से ही सब लोग सुरक्षित रहकर सन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं और कुमार्ग से दूर रहते हैं। यह सुनकर नंदिनी ज्यों ही अपने म्लेच्छ सैनिकों को मना करने के लिए आई, त्यों ही विश्वामित्र ने तलवार उठाकर उस पर घातक प्रहार करने का विचार किया। यह देख वशिष्ठ जी ने तलवार सहित उनकी बांह को स्तंभित कर दिया। उनकी वह बांह हिलडुल नहीं सकी। राजा विश्वामित्र बड़ी बुरी दशा में पड़ गए। उन्होंने लज्जित होकर वशिष्ठ जी से कहा, मुनिश्रेष्ठ, इन भयंकर म्लेच्छों के हाथ से मारे जाते हुए मुझे असहाय की अब आप ही रक्षा करें तथा मेरी इस बांह को स्तंभ रहित कर दें। अब मैं घर को लौट जाऊंगा, युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। उद्दंड पुरुष विद्या, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को पाकर मदोन्मत्त हो वैसे ही चिरकाल तक उस स्थिति में नहीं रह पाता जैसे मैं राजमद से उन्मत्त हो युद्ध में नहीं टिक सका। उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनकी उस भुजा को स्तंभ दोष से मुक्त कर दिया और हंसते हुए कहा, राजन, जाओ, मैंने तुम्हारी बांह ठीक कर दी, अब कभी ब्राह्मणों के साथ वैर न करना। वशिष्ठ जी की यह आज्ञा पाकर विश्वामित्र जी पैदल ही अपने महल को गए। संध्या के समय नगर द्वार पर पहुंचकर वे अपने आप ही कहने लगे, क्षत्रियों के बल, पराक्रम और जीवन को धिक्कार है, केवल ब्राह्मण बल और ब्राह्मण तेज ही प्रशंसा के योग्य है। अब मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे ब्राह्मण बल प्राप्त हो। आज से मैं अपना राज्य त्याग कर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने पुत्र विश्वसह को राजपद पर स्थापित कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। विश्वामित्र की तपस्या, ब्राह्मण पद की प्राप्ति, विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति का वशिष्ठ जी के द्वारा स्तंभन और सरस्वती के जल की शुद्धि,
सूत जी कहते हैं, द्विजवरो, इस प्रकार अपना राज्य छोड़कर विश्वामित्र जी ने हिमालय पर्वत पर जा अत्यंत भयंकर तपस्या प्रारंभ की। फल मूल का भोजन करते हुए वे 300 वर्षों तक केवल परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहे। फिर उतने ही समय तक केवल वृक्ष के सूखे पत्ते चबा कर रहे। उसके बाद 1000 वर्षों तक पानी मात्र पीकर रह गए। फिर 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर संतोष किया। विश्वामित्र जी की उस तपः शक्ति को देखकर देवर्षियों सहित साक्षात ब्रह्मा जी वहां आए और इस प्रकार बोले, विश्वामित्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, देव, मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम तो क्षत्रिय की संतान हो, फिर तुम में ब्राह्मणत्व कैसे आ सकता है? विश्वामित्र जी ने कहा, देव देवेश्वर, आप परम उत्तम ब्रह्मलोक में पधारिए। मैं या तो शरीर त्याग दूंगा अथवा ब्राह्मणों की ब्राह्मणता प्राप्त करूंगा। तदनंतर देवर्षियों के मध्य में खड़े हुए ऋचिक मुनि बोले, देव, मैंने विश्वामित्र जी के जन्म के लिए जो चरु तैयार किया था, उसमें ब्राह्य मंत्रों द्वारा अपरिमित ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। इस कारण ये क्षत्रिय पुत्र होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण हैं, इसलिए आप इन्हें ब्रह्मर्षि कहिए, जिससे हम लोग भी इन्हें श्रेष्ठ द्विज कहें। तब ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक विचार करके कहा, विश्वामित्र, तुम निस्संदेह ब्रह्मर्षि हो। तत्पश्चात ऋचिक आदि सब देवर्षियों ने भी उन्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। इसके बाद उन सब के मध्य में खड़े हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, विश्वामित्र क्षत्रिय से उत्पन्न हुए हैं, यह जानते हुए भी मैं इन्हें कदापि ब्राह्मण नहीं कहूंगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी हाटकेश्वर क्षेत्र में शंख तीर्थ के समीप चले आए, जहाँ श्वेत द्वीप युक्त पुण्यमयी ब्रह्मशिला विराजमान है। वहीं पर सब पापों को हरने वाली शुभ सरस्वती नदी स्थित है। उसी सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर वशिष्ठ जी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। विश्वामित्र भी उनका वध करने के लिए वहीं आ पहुंचे और उनके आश्रम से दूर दक्षिण दिशा में आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन उनके छिद्र ढूंढा करते थे। बहुत दिनों तक टिके रहने पर भी उन्हें उनका कोई दोष नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर आभिचारिक प्रयोग प्रारंभ किया। इससे एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई और बोली, विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? विश्वामित्र बोले, मेरे महान शत्रु वशिष्ठ का वध करो। विश्वामित्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर वह वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित हुई। इसी समय वहां होने वाले बड़े भारी उत्पातों को देख महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा उस कृत्या की गति को रोक दिया। तब वह शक्ति वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोली, मुने, सामवेद सब वेदों में प्रधान है। विश्वामित्र ने सामवेद के मंत्रों द्वारा मेरी सृष्टि की है, अतः इसे अप्रामाणिक न होने दीजिए, मेरे प्रहार को सह लीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, शोभने, यदि ऐसी बात है तो तुम केवल मेरा स्पर्श मात्र कर लो, परंतु मर्म स्थान को न छूना। तब विश्वामित्र जी की छोड़ी हुई वह भयंकर शक्ति वशिष्ठ जी के अंगों का स्पर्श मात्र करके गिर पड़ी। इससे संतुष्ट होकर वशिष्ठ जी ने कहा, महाभागे, जो मनुष्य परम श्रद्धा से युक्त होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारा पूजन करेंगे, वे वर्ष भर निरोग रहेंगे। अतः तुम्हें मेरे वचन से सदा यही निवास करना चाहिए। उनके इस प्रकार आदेश देने पर वह शक्ति देवी के रूप में वहीं स्थित हो नागर ब्राह्मणों द्वारा पूजित होने लगी। उसका नाम धारा है, वह भक्त जनों को सुख देने वाली है। जिस समय वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति को स्तंभित कर दिया, उस समय उसके अंगों से पसीना छूटने लगा। वह पसीना उसके पैरों के मार्ग से प्रवाहित होकर शीतल जल के रूप में परिणत हो गया और वहां उस जल से भरा हुआ एक कुंड बन गया। वह जल परम पावन, स्वच्छ और निर्मल था। उसमें सब तीर्थों से संपन्न गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट हुई और उनके जल से भरे हुए शीतल कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष धारा देवी का दर्शन करता है, उसे धन धान्य पुत्र तथा राज्य का समस्त सुख प्राप्त होता है। धारा देवी नागर ब्राह्मणों के 60 गोत्रों की कुल देवी हैं। इसीलिए नागरों को साथ रखने से ही वहां की यात्रा सफल होती है। नागरों के बिना की हुई जो यात्रा है, उससे परमेश्वरी धारा संतुष्ट नहीं होती। सरस्वती नदी वशिष्ठ जी की प्राण रक्षा में सहायक हुई थी, इसलिए विश्वामित्र जी ने कुपित होकर शाप दे दिया कि तुम्हारा जल रक्तमय हो जाएगा।
तब से उसका जल रक्तमय हो गया। चंड शर्मा आदि जितने भी तपस्वी वहां ठहरे थे वे सब के सब बहुत दूर चले गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ भी अर्बुदा चल पर चले गए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र चमत्कारपुर में गए और हाटकेश्वर क्षेत्र में आश्रम बनाकर उन्होंने भयंकर तपस्या की। उस तपस्या से उनमें सृष्टि रचना की शक्ति आ गई, जिससे वे ब्रह्मा जी के साथ होड़ करने लगे। तदनंतर किसी समय सरस्वती नदी अर्बुदा चल पर जाकर अत्यंत दीन दुखी हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से बोली, मुने आपके ही लिए विश्वामित्र ने क्रोध पूर्वक मुझे शाप दिया है, जिसके कारण मैं रक्त बहाने वाली नदी हो गई और तपस्वी जनों ने मेरे तट पर रहना छोड़ दिया। अब मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे प्रवाह में फिर जल हो और रक्त राशि का नाश हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे तुम्हारे प्रवाह में पुनः जल हो जाए तथा रक्त का निवारण हो। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी उस पाकर के वृक्ष की जड़ के समीप गए जहां से सरस्वती नदी निकली थी। वहां समाधि लगाकर धरती पर बैठ गए और ब्राह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए वहां की भूमि को देखने लगे। तब धरती को छेद कर दो छिद्रों से जल की धाराएं बह निकली। जल का एक स्रोत तो वहीं से प्रकट हुआ जहां सरस्वती का उद्गम हुआ था। वृक्ष की जड़ से निकले हुए उस जल प्रवाह ने संपूर्ण रक्त को बहा दिया, जिससे महानदी सरस्वती परम निर्मल हो गई। दूसरा प्रवाह जो संभ्रमवश उत्पन्न हुआ था उससे भ्रमती नाम से विख्यात नदी हुई। इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुई थी। पंचपिंडिका गौरी पूजा से अमा की सौभाग्य वृद्धि। अमा के पूर्व जन्म का चरित्र। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जयसेन नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं जो काशी प्रदेश के शासक थे। उनके 1000 स्त्रियां थीं। इनके अतिरिक्त उन्हें मद्रराज विश्वक्सेन की सुंदरी कन्या अमा भी पत्नी रूप में प्राप्त हुई। अमा उन्हें बहुत प्रिय थी। वह प्रातः काल उठकर गंगा जी के शुभ तट पर जाती और वहां की भीगी मिट्टी लेकर उसी की पंचपिंडात्मिका गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करती थी। प्रतिदिन इसी प्रकार विधिवत पूजा संपन्न करके वह राजमहल में लौट आती थी। अमा जैसे जैसे गौरी की पूजा करती वैसे ही वैसे उसके सौभाग्य की वृद्धि होती जाती थी। प्रतिदिन उसी के सौभाग्य की वृद्धि होती देख उसकी सौतों को बड़ा दुख होता था। वे कहती थीं, इसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं का यह फल है। इस प्रकार दुख में पड़ी हुई उसकी सौतों का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सब सौतें आपस में सलाह करके गंगा तट पर उसके समीप गईं, जहां वह पंचपिंडिका गौरी की पूजा करती थी। उन सबको वहां आई देख अमा गौरी जी की पूजा छोड़कर उनके सम्मुख गई और हाथ जोड़कर बोली, महाभाग्यवती देवियों आपका बारंबार स्वागत है, आज्ञा दीजिए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। सौतें बोली, हम सब लोग तुम्हारे सौभाग्य की आग से जली हुई हैं, इसलिए कौतूहलवश यहां आई हैं। महाभागे तुम प्रतिदिन जो 5 पिंडों की पूजा करती हो उसी से तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो रही है या इसका कोई दूसरा कारण है। अमा ने कहा, आप सब लोग मेरी बड़ी बहनें हैं, आपके प्रति मेरे मन में तनिक भी ईर्ष्या नहीं है, अतः गोपनीय बात भी आपके सामने प्रकट करती हूँ। पूर्व जन्म में मैं कुसुमपुर के वैश्य पुत्र वीरसेन की पुत्री थी। उन्होंने विवाह के समय धर्म पूर्वक मेरा दान किया, साथ ही प्रेम पूर्वक कहा कि पुत्री जब तक तुम गौरी की पूजा न कर लेना तब तक जल भी न पीना, इससे तुम्हें अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होगी। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ससुराल आने पर मैं गौरी जी की पूजा में तत्पर हुई। प्रतिदिन पंचपिंड बनाकर उनकी पूजा करती और उन पिंडों का जल में विसर्जन कर देती थी। कुछ काल के अनंतर मेरे पति वाणिज्य के लिए देशांतर में जाने लगे। उस समय स्नेहवश उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। जेठ के सूर्य तप रहे थे, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे समय में वैश्यों का वह समूह निर्जल मरु प्रदेश में जा पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे सबने विश्राम किया। मैंने देखा सब ओर जल लहरा रहा है। सोचा पास ही इतना अधिक जल है, स्नान करके गौरी जी की पूजा कर लूं, फिर स्वादिष्ट जल पीऊंगी। यह विचार कर मैं क्रमशः एक एक पग आगे बढ़ती गई। वहां जल कहां, मृग तृष्णा थी। जितना ही दूर जाती उतना ही दूर वह मृग तृष्णा दिखाई देती थी। अंत में प्यास से पीड़ित होकर मैं उस बालू में गिर पड़ी और मेरे सब अंगों में फफोले पड़ गए। इसी समय महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। मुनिवर त्रित ने
जैसे पूजा की थी उसी प्रकार मैं भी क्यों न गौरी की पूजा कर लूं। ऐसा सोचकर बालू की 5 मुट्ठी लेकर मैंने 5 मंत्रों से देवी का पूजन किया। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं दशारण देश के राजा के घर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। गौरी देवी के प्रसाद से ही मैं आप लोगों से छोटी होकर भी सौभाग्य में बड़ी हूँ। इसीलिए पंख की पंच पिंडा गौरी बनाकर प्रतिदिन पूजा करती हूँ। यह गुप्त रहस्य है जो मैंने आप लोगों पर प्रकट किया है। इस सत्य के प्रभाव से गौरी देवी मेरा अभीष्ट सिद्ध करें। यह सुनकर सब सौतों ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, बहन हम पर भी कृपा करो और उन 5 मंत्रों को हमें भी बताओ जिससे परमेश्वरी गौरी प्रसन्न होती हैं। अमा बोली, मैं सब बताती हूँ, सुनिए और सुनकर उसी के अनुसार आप लोग भी कीजिए। उसके ऐसा कहने पर सब सौतें मन वाणी और क्रिया द्वारा उसकी शिष्या हो गईं। तब उसने उन 5 मंत्रों का उपदेश किया। नमः पृथिव्यै क्षान्तिषि, नमः आपोमये शुभे, तेजस्विनी नमस्तुभ्यं, नमस्ते वायु रूपिणी, आकाश रूप संपन्ने, पंच रूपे नमो नमः। क्षमा की अधीश्वरी देवी, पृथ्वी रूप में आपको नमस्कार है। शुभे, आप ही जल रूपा हैं, आपको नमस्कार है। तेजस तत्व की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। वायु स्वरूपा देवी, आपको नमस्कार है। आकाश रूप से संपन्न पंच रूपा देवी, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार इन मंत्रों का उपदेश देकर अमा ने पूजा पूरी की। तत्पश्चात उसने गौरी देवी की रत्नमयी प्रतिमा निर्माण की और उसे हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित किया। जो नारी उस गौरी प्रतिमा का पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त हो शीघ्र ही अपने पति की प्रिया होती है। उसे पूर्णतः पति प्रेम उपलब्ध होता है। पूर्व जन्म में अमा रूपा लक्ष्मी देवी के द्वारा पंच पिंडिका गौरी की उत्पत्ति एवं स्थापना का वर्णन। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभो इस प्रकार पूर्व जन्म में अमा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज्य तथा उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है। तथापि मुझे कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। एक समय मुनिवर दुर्वासा जी चातुर्मास्य व्रत करने के लिए आनर्त नरेश के भवन में आए। राजा ने उनका पूजन किया और कहा, मुनिश्रेष्ठ संसार में मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपके युगल चरणारविंदों को मस्तक द्वारा स्पर्श करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। दुर्वासा बोले, राजन मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि पूर्वक चातुर्मास से व्रत संपन्न करूंगा। आप मेरी सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था कर दें। बहुत अच्छा कहकर महाराज ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। सेवा का सारा भार मुझ पर ही था। जैसे पुत्री पिता की सेवा करती है उसी प्रकार मुनि की सेवा के योग्य जो कार्य था वह सब मैंने स्वयं ही किया। चौमासा बीतने पर जब मुनि जाने लगे तब उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, बेटी बताओ मैं तुम्हारा कौन सा अभीष्ट कार्य सिद्ध करूं। तब मैंने उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण मुझे कोई संतान नहीं है। जिस व्रत नियम दान अथवा होम से मुझे संतान प्राप्त हो वह बताने की कृपा करें। मेरी बात सुनकर मुनि ने बहुत देर तक ध्यान किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, बेटी पूर्व जन्म में तपी हुई बालू से तुमने पार्वती जी का पूजन किया है, अतः भक्ति भाव से राज्य पाकर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप रह गया है। देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं। भाव में ही देवता का वास है। भाव युक्त मंत्र के संयोग से सर्वत्र देवता का सान्निध्य हो जाता है। तुमने भक्ति पूर्वक मंत्र प्रयोग किया, इससे गौरी देवी वहां आ गईं। फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया, इससे वे ताप युक्त हुई। यही कारण है कि तुम्हें सर्वदा संताप रहता है। अतः अब हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर ब्रह्म रुद्रमयी गौरी देवी की पंचपिंडी मूर्ति स्थापित करो। तत्पश्चात जब सूर्यदेव वृष राशि पर स्थित हों उस समय ग्रीष्म काल में गौरी जी के ऊपर दिन रात जल धारा गिरने की व्यवस्था करो। इससे ज्यों ज्यों गौरी जी को ठंडक लगेगी और ताप कम होगा त्यों ही त्यों तुम्हारा मानसिक संताप भी कम होता जाएगा। इसके बाद तुम्हें गर्भ रहेगा और तुम पुत्र प्राप्त करोगी। तुम्हारा वह पुत्र राज्य का भार वहन करने में समर्थ शूरवीर तथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। दूसरी कोई भी जो स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ मास में गौरी देवी की पूजा करेगी
वह भी तुम्हारी ही भांति उत्तम फल की भागिनी होगी। लक्ष्मी देवी कहती हैं, तदनंतर मैंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः कहा, ब्राह्मण ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म न होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, बेटी गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने पूछा, मुने किस किस समय और किस किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए? दुर्वासा बोले, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल उठकर दांतन करे, फिर स्नान आदि से शुद्ध हो श्रद्धा पूर्ण हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करे। तदनंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की चार गौरी की मूर्तियां बनावे और एक एक पहर में एक एक मूर्ति की पूजा करे। पहली गौरी पूर्वोक्त प्रकार से पंचपिंडी मई ही बनानी चाहिए और प्रथम प्रहर में उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आवाहन और नमस्कार। हिमाचल गृह जाता देवी त्वम शंकर प्रिय, मेना गर्भ समुद्भूता पूजाम गृह्य नमोस्तुते। शिवप्रिया देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर में मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो, यह पूजा स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कर्पूर युक्त धूप निवेदन करे, लाल सूत की बत्ती बनाकर उसे घी में डुबो दे और उसी का दीपक अर्पण करे। तत्पश्चात चमेली के फूलों से पूजा करके लड्डू का नैवेद्य निवेदन करे, नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढककर रखे। उसके बाद देवी को अर्ध दे, अर्ध में उसी वृक्ष का फूल डाले जिसका दंत धावन किया गया हो। फूल जल अक्षत और गंध आदि से युक्त मातुलिंग लेकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक अर्ध देना चाहिए। शंकरस्य प्रिये देवी हिमाचल सुते शुभे, अर्ध मेनम मया दत्तम प्रतिगृह्य नमोस्तुते। भगवान शंकर की प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवान की पुत्री कल्याणमयी गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदन किए हुए इस अर्ध को ग्रहण करो, तुम्हें सादर नमस्कार है। तदनंतर शरीर शुद्धि के लिए मातुलिंग का ही प्राशन करें। फिर दूसरे प्रहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारीश्वरी मूर्ति की निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पूजा करें। वामांगार्धे शरीरस्य या हरम्य व्यवस्थिता सामे पूजाम प्रगृह्यतु तस्यै देव्यै नमोस्तुते। जो भगवान शंकर के श्री अंग में वामार्ध भाग में विराज रही हैं, वे गौरी देवी मेरी पूजा ग्रहण करें, उनको नमस्कार है। इस प्रकार अभ्यर्थना करके अगुरु सहित धूप निवेदन करें, फिर भली भांति पूजा करके गुड़ का नैवेद्य भोग लगावें। तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर नारियल के फल से अर्ध देना चाहिए तथा शरीर शुद्धि के लिए नारियल ही खाना चाहिए। अर्ध मंत्र। अर्ध नारीश्वरौ योच संस्थितौ परमेश्वरौ, अर्धे मे गृह्यताम देवौ स्याताम सर्व सुख प्रदौ। अर्ध नारीश्वर रूप से स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती देवी, आप दोनों मेरे इस अर्ध को ग्रहण करें और सब प्रकार का सुख देने वाले हों। तदनंतर तीसरा पहर आने पर शतपत्री से शिव पार्वती का पूजन करके प्रार्थना करें। उमा महेश्वरौ देवौ यौ तौ सृष्टि लयान्वितौ, तौ गृह्ये तामिमां पूजां मया दत्तां प्रभक्तितः। सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त जो पार्वती देवी और महादेव जी हैं, वे भक्ति पूर्वक दी हुई मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गुग्गुल का धूप दें, नैवेद्य समर्पित करें, चमेली और जल का अर्थ देकर उसी का प्राशन करें, अथवा नागर मोथा के चूर्ण से धूप और मैन फल से अर्ध देना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए उसी का आहार करना चाहिए। अर्ध मंत्र। उमा महेश्वरौ देवौ सर्व काम सुख प्रदौ, गृह्ये तामर्ध दानम मे दयाम कृत्वा महत्तमाम। संपूर्ण कामनाओं और सुखों को देने वाले भगवान शिव और पार्वती देवी, मुझ पर बड़ी भारी दया करके मेरे अर्ध दान को ग्रहण करें। चौथा पहर आने पर निम्नांकित मंत्र द्वारा भृंगराज पुष्प से पंचपिंडिका गौरी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस प्रकार अभ्यर्थना करें। पृथिव्यादीनि भूतानि यानि प्रोक्तानि पंच च यस्या रूपाणि देवेशी पूजाम गृह्य नमोस्तुते। देवेश्वरी, पृथ्वी आदि जो पांच भूत बताए गए हैं, वे सब तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम्हें नमस्कार है, इस पूजा को ग्रहण करो। इसके बाद
निम्नांकित मंत्र से अर्ध दें। पंचभूतमयी देवी पंचधाच व्यवस्थिता अर्धमेनम मया दत्तम सा गृह्यतु सुरेश्वरी। पंचभूत स्वरूपा गौरी देवी पांच मूर्तियों में स्थित हैं, वे देवेश्वरी मेरे दिए हुए इस अर्ध को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्ध देकर गीत वाद्य और कीर्तन आदि की ध्वनि के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करें, नींद न ले। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपति का भक्ति पूर्वक पूजन करें। राजकुमारी इसके बाद हथिनी या घोड़ी मंगाकर उसी पर चारों गौरी विग्रहों की सवारी निकाले। साथ साथ गीत वाद्य मंगल ध्वनि तथा वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहे। किसी नदी या तालाब के समीप ले जाकर उसी में उन विग्रहों का विसर्जन करें। विसर्जन मंत्र: आहुतासि मया देवी पूजितासि मया शुभे मम सौभाग्य दानाय यथेष्टम गम्यतामिति। कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आवाहन और पूजन किया है, अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए इच्छानुसार पधारें। लक्ष्मी देवी कहती हैं, प्रभो इस प्रकार पूर्व जन्म में मैंने भाद्रपद मास की उस तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया और द्वितीय तथा तृतीय पहर में जब मैंने उनके श्री विग्रह की ओर देखा तब वे रत्नमयी हो गई थी। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो रहा था। जब विसर्जन करने के उद्देश्य से मैं नदी तट पर गई तब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या न करूं। इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, बेटी तुम इस जल में मेरी भावना मात्र कर लो, फिर इस विग्रह को ले चलकर हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित करो। इस समय तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। मैंने कहा, देवी मैं मनुष्य योनि में किसी प्रकार जन्म न लूं, भगवान विष्णु मेरे पति हों। तब तथास्तु कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद मैंने हाटकेश्वर क्षेत्र में चारों गौरी विग्रहों का स्थापन किया। उसी के प्रभाव से मुझे आप साक्षात भगवान ही पति रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि सनातन अविनाशी एवं सदा मेरे ऊपर स्नेह दृष्टि रखने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, भगवती लक्ष्मी जी के मुख से उनके पूर्व जन्म का यह वृत्तांत सुनकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। द्विजवरो, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता है उसका कभी लक्ष्मी से वियोग नहीं होता तथा कभी उसे दुर्भाग्य का दिन नहीं देखना पड़ता। हाटकेश्वर क्षेत्र में तीनों पुष्कर तीर्थों के आगमन का वृत्तांत। ऋषियों ने पूछा, सूत जी सुना जाता है त्रिभुवन विख्यात पुष्कर नामक तीर्थ साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुआ है, उसका प्रमाण एक योजन है। हम जानना चाहते हैं हाटकेश्वर क्षेत्र में उस तीर्थ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सूत जी ने कहा, महर्षियों स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं पुष्कर के प्रादुर्भाव का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे विनीत भाव से बैठे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स इस समय तुम कहाँ से आए हो। नारद जी ने कहा, प्रभो इस समय मर्त्यलोक से आया हूँ। ब्रह्मा जी ने पूछा, मर्त्यलोक का क्या समाचार है, वहां के लोग क्या करते हैं। नारद जी ने कहा, सूर्यश्रेष्ठ इस समय मर्त्यलोक में कलि का राज्य है, वहां के राजा सन्मार्ग त्याग कर लोभ के वशीभूत हो गए हैं और धन के लिए अत्यंत निर्दयता पूर्वक प्रजा को पीड़ा देते हैं। उनमें शूरता वीरता का तो नाम नहीं है, सब पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते हैं। वे ब्राह्मण गुरु देवता तथा पितरों का भी पूजन नहीं करते। ब्राह्मण भी शौचाचार से रहित हो वेद बेचते, दूसरों से दान लेने में आसक्त रहते, संध्या नहीं करते, दयाहीन बर्ताव करते तथा वैश्यों की भांति सदा कृषि कर्म और पशुपालन में संलग्न रहते हैं। भूतल पर सब वैश्यों का उच्छेद हो गया है। शूद्र सदा धर्मानुष्ठान की कामना रखते और तपस्या में तत्पर रहते हैं। जिसके घर में धन है, युवती स्त्रियां हैं, उसी के साथ सब लोग मित्रता करते हैं। समस्त तीर्थ और आश्रम कलियुग के भय से दसों दिशाओं में भागते हैं। स्त्रियां अपने पति के साथ विवाद करती हैं, पति की सेवा आदि छोड़कर मनमाने व्रत करती हैं। इस समय मर्त्यलोक में मैंने सास पतोहु, पिता पुत्र, भाई भाई, स्वामी सेवक, चोर राजा तथा पति पत्नी में कलह होते देखे हैं। मेघ थोड़ा जल बरसाते हैं, पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत कम हो गई है। गौएं बहुत थोड़ा दूध देने लगी हैं और उनके दूध में घी का सर्वथा अभाव हो गया है। इस प्रकार वहां का कलह देखते देखते मेरा चित्त उद्भ्रांत सा हो उठा था, इसलिए मैं यहाँ आया। अब फिर वहीं जाने का विचार हो रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे
कि मर्त्य लोक में मेरा पुष्कर नामक तीर्थ भी है जो कलिकाल से व्याप्त होकर नष्ट हो जाएगा, अतः मैं उसे किसी दूसरे तीर्थ में ले जाऊंगा जहां कलियुग का प्रवेश नहीं होता। ऐसा निश्चय करके पितामह ने कमल हाथ में लेकर कहा, हे पद्म, तुम पृथ्वी पर उस स्थान में गिरो जहां कलियुग न हो। ब्रह्मा जी से प्रेरित हुआ कमल समूची पृथ्वी पर घूमकर हाटकेश्वर क्षेत्र में गिरा। जहां पहले गिरा वहां से उछलकर वह दूसरे स्थान पर गिरा और फिर वहां से भी उछलकर तीसरे स्थान पर जा गिरा। अतः उन तीनों स्थानों पर तीन कुंड हो गए। उन तीनों कुंडों में स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल भर गया। इसी समय साक्षात पितामह ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे। हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन करके वे भूतल पर बैठे और बहुत समय तक ध्यान करके ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों को वहां ले आए। तत्पश्चात वे प्रसन्न चित्त होकर बोले, मैं कलिकाल के भय से इन तीनों पुष्करों को यहाँ लाया हूँ। जो मनुष्य परम श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान करेंगे वे अविनाशिनी उत्तम सिद्धि को प्राप्त होंगे। जो लोग एकाग्र चित्त हो यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान और गया शीर्ष में श्राद्ध करेंगे उनको बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होगा। अतिथि सत्कार का महात्म्य। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमें अतिथि सत्कार का उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप सब लोग इस उत्तम महात्म्य को श्रवण करें। गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल देता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूर से प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं वही गृहस्थ कहा गया है। शेष सब लोग तो गृह के रक्षक मात्र हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं उन्हीं मनुष्यों के यहाँ इस पृथ्वी पर श्राद्ध, दान और अतिथि के लिए मधुर वचन, ये तीन प्रकार के सत्कर्म होते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थ के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं और अतिथि के विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी विमुख हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वह सदा अतिथि को संतुष्ट करे। यदि वह अपने लिए पुण्य चाहता है तो आत्मदान करके भी अतिथि को प्रसन्न रखे। द्विजवरो, गृहस्थ के लिए तीन प्रकार के अतिथि बताए गए हैं, श्राद्धीय, वैश्व देवीय तथा सूर्योदय। पितरों के लिए श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन का संकल्प हो जाने पर जो श्राद्ध काल में स्वतः आ जाता है उसे श्राद्धीय अतिथि कहते हैं। जो दूर का रास्ता तय करके थका मांदा बलि वैश्व देव कर्म के समय आता है उस अभ्यागत को वैश्व देवीय अतिथि जानना चाहिए। पहले का आया हुआ वैश्व देवीय अतिथि नहीं कहलाता। प्रिय हो या द्वेष पात्र, मूर्ख हो या पंडित, यदि वैश्व देव काल में आया है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला अतिथि है। उसके गोत्र, चरण, स्थान और वेद आदि के विषय में न पूछें, केवल यज्ञोपवीत देखकर भक्ति पूर्वक भोजन करावें। तीसरा अतिथि सूर्योदय वह है जो दिन में या रात में भोजन के बाद घर पर आता है। उसके लिए भी गृहस्थ को यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। जिसके घर पर आया हुआ सूर्योदय अतिथि सत्कार प्राप्त किए बिना निराश लौट जाता है वह उसे अपना पातक देकर चला जाता है। तृण, भूमि, जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती। अतिथि का स्वागत करने से गृहस्थ को सदा तृप्ति बनी रहती है। उसे आसन देने से स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अर्ध्य प्रदान करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। पाद्य देने से इंद्रादि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः सदा उसका पूजन करना और विशेषतः उसे भोजन देना चाहिए। अतिथि न मिले तो अतिथि के नाम से किसी दूसरे ब्राह्मण को ही गृहस्थ पुरुष भोजन करावे। हाटकेश्वर क्षेत्र में पुष्कर के प्राकट्य का वार्षिक समय, उसकी महिमा तथा ब्रह्म ज्ञान साधक दो तीर्थों का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पृथ्वी पर नैमिषारण्य, अंतरिक्ष में पुष्कर और तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र की विशेष स्थिति मानी गई है। मेरे आदेश से 5 रात के लिए पुष्कर क्षेत्र इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 रात तक यहाँ पुष्कर तीर्थ का वास होगा।
इन 5 रात्रियों में जो यहाँ स्नान करेगा अथवा श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करेगा उसका वह पुण्य कर्म अक्षय होगा। मैं भी उस समय ब्रह्मलोक से आकर 5 रात तक इस तीर्थ में निवास करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, प्रपितामह, हम इस स्थान में आपकी मूर्ति स्थापित करेंगे, अतः प्रभो आपको सदा यहाँ शुभागमन करना चाहिए, साथ ही आपका पुष्कर तीर्थ भी सदा के लिए यहाँ आकाश से उतर आवे। समस्त लोगों के पापों का नाश करने के लिए उस स्वयं निर्मित तीर्थ को आप अवश्य यहाँ ले आवें। ब्रह्मा जी बोले, मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर वह श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ आकाश मार्ग से हाटकेश्वर क्षेत्र में उतर आवेगा। जो द्विज इस तीर्थ में आकर स्नान पूर्वक मेरी मूर्ति के आगे बैठकर पैल और मैत्रेय का स्मरण करके चारों समय अघमर्षण मंत्र का जप करेगा, उसके उस जप और मंत्र पाठ को मैं ब्रह्मलोक से आकर सुनूंगा। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, मरण धर्मा मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सूत जी ने कहा, ब्रह्मर्षियों, मुझमें ऐसी क्या शक्ति है जो इस विषय का वर्णन कर सकूं? परंतु हाटकेश्वर क्षेत्र में 2 शुभ तीर्थ हैं जो मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। शूद्री और ब्राह्मणी 2 कुमारियों ने उन दोनों तीर्थों को प्रकट किया है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उन दोनों तीर्थों में स्नान करता है, फिर भक्ति पूर्वक कुमारी द्वारा पूजित और कुंड के भीतर स्थित युगल पादुकाओं का पूजन करता है, उसे 1 वर्ष बीतने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। वे पादुकाएं मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को ब्रह्म ज्ञान का सुख देने वाली हैं और आत्मज्ञान की पुष्टि के लिए शक्ति से स्थापित की गई हैं। मेरे पिताजी उस तीर्थ में गए और ज्ञानवान हो गए। उन्हीं की आज्ञा से मैंने भी वहां जाकर 1 वर्ष तक निवास और पादुकाओं का पूजन किया, इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लोक में पुराण संबंधी जितना भी साहित्य है सबका मुझे ज्ञान है। यदि आप लोगों को भी मोक्ष पाने की इच्छा हो तो वहीं जाइए। पुनरागमन के चक्र में डालने वाले इन स्वर्ग साधक यज्ञों से क्या लेना है? आप लोग वहीं जाकर मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाली उन पादुकाओं की आराधना करें जिससे वर्ष के अंत में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आपको धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छा उपदेश दिया। इसके द्वारा हमें संसार सागर से तार दिया। हमारा यह यज्ञ 12 वर्षों तक चलने वाला है। इसके समाप्त होते ही हम सब लोग वहां जाएंगे, इस बात का हमने भलीभांति निश्चय कर लिया है। ब्राह्मण कन्या और राजकन्या का अनुपम प्रेम, राजकुमारी का दशार्ण राज के साथ विवाह का निश्चय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने हाटकेश्वर क्षेत्र में जिन 2 शूद्री तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ की चर्चा की है उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ? सूत जी ने कहा, छांदोग्य नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो साम वेद के ज्ञाता होने के साथ ही गृहस्थाश्रम धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनके बुढ़ापे में एक कन्या उत्पन्न हुई जो विशाल नेत्रों वाली और मनुष्यों का मन मोहने वाली थी। जिस दिन महात्मा छांदोग्य के कन्या हुई उसी दिन आनर्त देश के शूद्र जातीय नरेश के घर में भी एक कन्या का जन्म हुआ। वह भी ब्राह्मण कन्या की ही भांति परम सुंदरी थी। यद्यपि उसका जन्म रात में हुआ तथापि उसने अपनी अंग कांति से संपूर्ण सूतिका गृह को प्रकाशित कर दिया, मानो रत्नराशि की प्रभा से सारा घर उद्भासित हो उठा हो। इसीलिए राजकुमारी के पिता ने उसका नाम रत्नवती रखा। उस राजकन्या और ब्राह्मण कुमारी में सखी का संबंध हुआ। वे निरंतर साथ साथ रहती थीं, कभी उनमें वियोग नहीं होता था। एक आसन, एक शैया और एक से अन्न का भोजन उन दोनों को साथ साथ प्राप्त होता था। ब्राह्मण कन्या की आयु जब 8 वर्ष की हुई तब उसके पिता ने उसके विवाह के लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया। पिता का यह प्रयत्न देखकर कन्या को दुख हुआ। सखी से वियोग न हो जाए इस डर से उसने सब बात रत्नवती से कही। सखी, अब पिताजी मेरा विवाह करेंगे। विवाह हो जाने पर मेरा तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। राजकुमारी यह वज्रपात के समान दुस्सह वचन सुनकर सखी के गले से लिपट गई और स्नेह से विकल होकर रोने लगी। पुत्री का रुदन सुनकर उसकी माता मृगावती सहसा वहां आई और बोली, बेटी क्यों रोती हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? रत्नवती बोली, माँ, यह ब्राह्मण कन्या मुझे प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। अब इसका विवाह होगा और यह कल्याणी अपने पति के घर चली जाएगी। इससे अलग होकर मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकती। देवी, इसी कारण से मैं दुखी होकर रोती हूँ। मृगावती ने कहा, बेटी यदि ऐसी बात है
तो मैं तुम्हारी इन प्रिय सखी का विवाह वहीं करूंगी जिससे इसके साथ तुम्हारा मिलना जुलना हो सके। ऐसा कहकर रानी मृगावती ने द्विज श्रेष्ठ छंदोग्य को बुलवाकर विनय पूर्वक प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्रह्मन, आपकी पुत्री मेरी राजकुमारी रत्नवती को अत्यंत प्यारी है, इसलिए मेरी कन्या जब किसी राजा के साथ ब्याही जाए उस समय उसके पुरोहित से आप अपनी कन्या का विवाह कर दें जिससे ये दोनों एक दूसरे से विलग न हों, एक स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। छांदोग्य बोले, देवी, नागर ब्राह्मणों ने यह मर्यादा बांध रखी है कि जो नागर नागर ब्राह्मण के सिवा दूसरे किसी ब्राह्मण को कन्या देता है अथवा नागर के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण की कन्या ग्रहण करता है वह पंक्ति दूषक है। इस पाप के कारण उसे यहाँ निवास करने का अधिकार नहीं है, अतः मैं अपनी कन्या नागर को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को नहीं दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो मैं कुमारी एवं ब्रह्मचारिणी रहूंगी, विवाह के लिए घर नहीं चलूंगी। जहां मेरी प्यारी सखी ब्याही जाएगी वहीं इसके साथ जाऊंगी। यदि आप बलपूर्वक हट से मेरा विवाह करेंगे तो विष खा लूंगी अथवा आग में जल मरूंगी। मेरे इस निश्चय को जानकर आपको जो उचित प्रतीत हो वह कीजिए। कन्या का यह निश्चय जानकर ब्राह्मण दुखी हो उसे वहीं छोड़कर घर लौट गए। वह पिता का स्नेह त्याग कर राजकुमारी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने और क्रीड़ा करने लगी। इधर आनर्त नरेश ने भी अपनी पुत्री को विवाह के योग्य हुई जानकर मन ही मन कहा, अब मैं अपनी पुत्री का योग्य वर के साथ विवाह करूंगा। जो किसी कार्य कारण से या लोभवश अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है वह नरक में जाता है। इस प्रकार योग्य वर का अनुसंधान करते हुए उनका बहुत समय व्यतीत हो गया तथापि उन्हें अपनी कन्या के योग्य उत्तम वर नहीं दिखाई दिया। तब राजा ने विश्वविख्यात चित्रकारों को बुलवाया और उन्हें भेजते हुए कहा, तुम लोग मेरे आदेश से जाओ और भूतल के समस्त राजाओं का चित्रपट तैयार करके ले आओ। वे सब चित्र मेरी पुत्री को दिखाओ जिससे वह उन्हीं में से किसी अभीष्ट पति का चुनाव स्वयं कर ले, इससे मुझे दोष नहीं लगेगा। राजा का यह वचन सुनकर सब चित्रकार पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण राजाओं के घर गए। जो राजा तरुण रूप उदारता आदि गुणों से युक्त एवं योग्य थे उन सब का चित्र बनाकर ले आए। उन सब चित्रों को क्रमशः उन्होंने रत्नवती के आगे रखकर दिखाया। रत्नवती ने उन सब चित्रों में से राजा बृहद्बल को प्रसन्न किया और कहा, मैंने दशार्ण राज बृहद्बल को पति बनाने के लिए वरण किया। यह सुनकर आनर्त नरेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दशार्ण राज के यहाँ दूतों को भेजा और उनसे कहा, तुम सब लोग राजा बृहद्बल से विनय पूर्वक कहना, राजन, आप विवाह के लिए आनर्त नरेश के यहाँ चलें, वे आपके साथ अपनी त्रिभुवन सुंदरी कन्या रत्नवती का विवाह करेंगे। राजा का यह आदेश पाकर दूत शीघ्र ही दशार्ण राज के यहाँ गए और आनर्त नरेश का संदेश कह सुनाया। सुनकर राजा बृहद्बल को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी विशाल सेना साथ ले आनर्त राजधानी की ओर प्रयाण किया।